हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल राशन मूवी के बारे में ते मूवी कौन सर कहाँ पे आपको हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानिए पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ते वीडियो कभी जरा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो तमिल राशन एक दो भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो बाबू योगेश्वरन द्वारा लिखित और निर्देशित और एस एस प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित है फिल्म में विजय एंथनी सुरेश गोपी और सोनू सूद हैं संगीत लेधारा रचित था यह निक कैशवेट्स की दो हज़ार दो की फिल्म जॉन क्यू से प्रेरित थी तमिल राशन 22 अप्रैल 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 16 जून 2023 को ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी पर रिलीज होने की उम्मीद है फिल्म को आलोचकों से विकसित समीक्षा मिली है यह फिल्म मूल रूप से 6 मार्च 2020 को रिलीज होने वाली थी लेकिन कोविड नाइन्टीन महामारी संकट के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था अगली बार फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख 31 दिसंबर दो हज़ार इक्कीस तय की लेकिन यह फिर से स्थगित कर दी गई यह फिल्म कई वर्षों तक स्थगित रही और 22 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई जी जी तमिल ने फिल्म के सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए जबकि जी फाइव ने डिजिटल अधिकार सुरक्षित किए यह फिल्म सोलह जून दो हजार तेईस को जी फाइव प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है तमिल हराशन को आलोचकों से मिकसित समीक्षाएं मिली टाइम्स ऑफ इंडिया के एम डॉट सुगंध ने फिल्म को पाँच में से टू स्टार की रेटिंग दी और लिखा यह ट्रीटमेंट उतना ही पुराने जमाने का है जितना इलैयाराजा राजा ने गाने गाए हैं इसके परिणामस्वरूप फिल्म देखने का अनुभव उतना ही उबाऊ है जितना कि आई भी ड्री, ड्रीप देखना सिनेमा एक्सप्रेस के अविनाश रामचंद्रन ने फिल्म को पाँच में से दो रेटिंग दी देते हुए कहा जैसे जैसे तमिल रशन की दुनिया खुलती है जा रही है कहानी के फैसले कई सवाल उखड़े करते हैं लेकिन हमें शायद ही कोई संतोषजनक जवाब मिल पाता है ए के ने फिल्म को पांच में से दो स्टार रेटिंग दी और देते हुए कहा फिल्म को के दशक में रिलीज किया जाना था इसलिए महिलाओं ने रोया होगा और इसे देखा होगा दो तेईस में रिलीज होने में बहुत देर हो चुकी है जो बहुत उबाऊ है मलाई मलार के एक आलोचक ने फिल्म को पाँच में से दो स्टार की रेटिंग देते हुए कहा राजनेता और लालची अस्पताल कर्मचारी हमें रमना और वरई फिल्मों की याद दिलाते हैं गाने हमें सवाल करने पर मजबूर करते हैं क्या यह इलह धारा रचित है तमिलान एक दयालु पुलिस अधिकारी हैं जो एक अस्पताल को हाइजेक कर लेता है जहां उसके बेटे प्रभाकर और को भर्ती करा कराया जा गया है क्योंकि लालची अस्पताल के कर्मचारी द्वारा हृदय प्रत्यारोपण के लिए प्रभाकर की अपेक्षा की जाती है लेकिन तमिल को भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी की ओर डी से बाधाओं का सामना करना पड़ता है राणा प्रताप सिंह और उनके निजी दुश्मन हैं इंस्पेक्टर तमिल के रूप में विजयंत डॉक्टर मुरुगनदास मुरुगंदम के रूप में सुरेश गोपी संगीता पद श्रीनिवासन के रूप में लीना के रूप में रेम्या नम्बीसन राधी रवि आयुक्त सुकुमार आईपीएस के रूप में डीसीपी राणा प्रताप सिंह आईपीएस के रूप में सोनू सूद तमिलरासन के बेटे कैप्टन प्रभाकर के रूप में मास्टर प्रणव मोहन अठारी के रूप में वाईजी जी महेंद्र नम्बीराजन के रूप में रोबो शंकर गणेश कुमार के रूप में मुनि श्रेयदयन एक ऑटो चालक के रूप में मुख्य फोटोग्राफी 18 जनवरी 2019 को शुरू हुई इस फिल्म का संगीत इलैया आजाद ने तैयार किया है जबकि गीत अर्प ने लिखे हैं जयराम पलानी भारती और मदन कार की पूरा एल्बम रिलीज हो गया लेकिन कुछ समय बाद एल्बम में दो एकल जोड़े गए शीर्षक ट्रैक योगी बाबू योगी बी जुसैन डी मेलो और नकाश अजीज धारा जारी किया गया है था इस सभी ने इैयिया राजा और अगले एकल थमीजान धा के लिए अपनी शुरुआत की थी और नकाश अजीब और अर्जुन चाडी धारा गाया गया था जिसमें बाद में इलैया राजा के साथ उनका पहला सहयोग था बाबू योगेश्वरन की तमिलराशन एक ऐसी फिल्म है जो खामियों से भरी है जैसे एक मरीज कई मेडिकल समस्याओं से पीड़ित है लेकिन एक शिकायत है कि आप इसके खिलाफ नहीं रह सकते क्योंकि कि इसमें दिल की कमी है हृदय प्रयान के बारे में इस फिल्म में पात्र अस्पताल के गाउन से बाहर निकलने जैसी आसानी से दिल बदलने प्रतीत होते हैं यह भावनात्मक परिवर्तन कार्डियट ऑरियंट की तरह अचानक और अप्रत्याशित होते हैं शायद हमें कमजोर नाड़ी वाली फिल्म में ऐसी अनजाने व्योत्मक के लिए आभारी होना चाहिए इसका नायक तमिल राशन एक पुलिस वाला है जो खूनी स्वभाव का है उन्हें और उनकी प्यारी पत्नी लीना को अपने जीवन में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे प्रभाकर का दिल कमज़ोर है और जितनी जल्दी वे प्रत्यारोपण के लिए जाए उतना बेहतर होगा वे उसे एक अस्पताल में भर्ती कराते हैं जो दुर्भाग्य से मुनाफे की अधिक परवाह करता है और ठगे ठंडे खून वाले प्रशासकों को और पथर दिल डॉक्टरों से भरा हुआ है एक मंत्री को भी दिल की जरूरत होने के कारण बेचारा प्रभाकर अस्पताल के लिए कम प्राथमिकता वाला बन जाता है क्रोधित थे तमिल राशन ने उनके हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर मुरुगन्नाथम को बंधक बनाने का फैसला किया और उन्हें बहले अपने बेटे का इलाज करने के लिए मजबूर किया क्या वह अपने बेटे को बचा सकता है खासकर अपने भ्रष्ट वरिष्ठ राणा प्रताप सिंह जो से जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पहले से ही उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने की क्षमता है तमिलारासन एक ऐसी फिल्म है जो कागज़ पर भी एक मरीज को चिकित्सिया चमकदार चमत्कार की जरूरत महसूस कराती है फिल्म की लिखावट एक डॉक्टर की लिखावट की तरह बेतरतीब है और इसका स्वर एक मरीज की उतार चढ़ाव वाली नाड़ी की तरह आसमान रूप से बदलता रहता रा, है ऐसे दृश्य के बीच स्वर में बदलाव को कोई और कैसे समझा सकता है जहाँ एक लड़का अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है ऐसे दृश्य के साथ जहाँ रोबो शंकर शब्द बाड़ी को द्वित बनाकर अपनी लगड़ी कॉमेडी करता है उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं योगी बाबू जिनकी कॉमेडी में मोशन पॉइंटेंट को मोशन पॉइंटेंट के साथ गाया जाता है जैसे एक फार्मासिस्ट डॉक्टर के नुस्खे को नजरअंदाज करना चुनता है वैसे ही यह फिल्म अंग प्रत्यारोपण के विषय पर शोध को खत्म कर देती है यह दृष्टिकोण केवल उन दृश्यों की ओर ले जाता है जो दर्दनाक रूप से नाटकीय और अनजाने में मज, मजाकिया है यदि विचार अस्पतालों में चिकित्सा भ्रष्टाचार और लालच को उजागर करने का था तो हम 20 साल पहले ही रमना में यह सब सक्षम रूप से होते हुए देख चुके हैं और इसमें पुलिस बंधन की स्थिति से इतने हास्यपद तरीके से निपट रही है कि भाग्यराज के रुद्र में पुलिस कुशल लगती है हमें सुरेंद्र सुरेश गोपी संगीत कस्तूरी और राधा रवि जैसे अनुभवी अभिनेताओं का एक समूह भी मिलता है लेकिन उनका प्रदर्शन उतना ही नैदानिक और भावना से रहित होता है जितना कि ऑपरेशन टेबल पर एक सर्जन की सहायता करने वाली नर्स है इस बीच रामया निशन को दो काम करने है विजय एंथनी के साथ है, रोमांस करना जैसे कि वह सेतुपति में विजय सेतुपति हो और एक चिंतित चिंतित माँ के रूप में अभिनय करना और केंद्र पात्र के रूप में विजय एंथनी हमेशा की तरह गंभीर हैं लेकिन उससे परे उनका प्रदर्शन एक अनुत्तरदायी रोगी की तरह कठोर है उन्होंने कहा फिल्म अपने मुख्य अभिनेता की तरह ईमानदार है यह सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार होना चाहता है और थोतुकूडी गोलीबारी का संदर्भ देता है जब महिलाओं के बारे में बात करने की बात आती है तो यह राजनीतिक रूप से सही रहता है लेकिन जब उपचार इलैया राजा द्वारा गाए गए गानों की तरह पुराने जमाने का होता है तो इसका परिणाम फिल्म देखने का अनुभव होता है जो आईवी वी देखने जितना ही उबाऊ होता है अबू योगेश्वरन की तमिल राशन जिसमें विजयंतनी मुख्य भूमिका में है शुरुआत से ही एक थकाऊ फिल्म है इसकी शुरुआत तमिलनाडु और दिल्ली के पुलिस अधिकारियों के बीच एक क्रिकेट मैच से होती है नायक और प्रतिपक्षी के बीच संघर्ष एक अकारबणी के अनुक्रम के साथ वही स्थापित होता है तमिल राशन एक ईमानदार पुलिसकर्मी है जिसका जीवन उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमता है जिसमें पत्नी और एक बेटा शामिल है वो अपने बेटे छोटे बेटे को एक खिलाड़ी बनने के लिए प्रोत्साहित करता है लेकिन लड़का एक असामान्य हृदय रोग से पीड़ित है तत्काल तो सर्जरी में भारी रकम खर्च होती है जिससे उसके लिए हालात और भी बदतर हो जाते हैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बावजूद तमिल राशन को एहसास हुआ कि आवश्यक राशि का भुगतान करना लगभग असंभव है अस्पताल प्रबंधन का अमानवीय व्यवहार उसे परेशानी में डाल देता है कोई विकल्प नहीं बचने पर वह एक डॉक्टर का अपहरण कर लेता है जिससे मरीजों और पुलिस विभाग में दहद, दहशत फैल जाती है एक कुख्यात पुलिसकर्मी राणा को दर्ज दर्ज करे जो अपने क्रूर व्यवसाय और ठंडे स्वभाव के लिए जाना जाता है एक ऐसा व्यक्ति के रूप में जो व्यक्तिगत कारणों से तमिल के खिलाफ बद, बदला लेने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है वह स्थिति का फायदा उठाने का प्रयास करता है कागज पर कथानक थोड़ा मूर्तपूर्ण लगता है लेकिन एक आकर्षक पटकथा से साथ एक साफ सुथरा निष्पादन फिल्म को बचा सकता था हालांकि ठोस संघर्षों की कमी नाजुक चरित्र और तार्किक खामियों फिल्म को एक थका देने वाली घड़ी बनाती है पटकथा बहुत सारी चीज़ों को छूती है लेकिन अंत में किसी को भी सही नहीं ठहरा पाती इसके कुछ हिस्से के को देखने से हमें ऐसा लगता है कि यह एक पारिवारिक ड्रामा है कुछ स्थितियाँ हमें याद दिलाती है कि यह एक एक्शन एक एक फिल्म है ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो हमें विश्वास दिलाती है कि यह एक मेडिकल थ्रिलर है इसमें पिता पुत्र का एंगल माँ बेटे का एंगल जूनियर और सीनियर पुलिसकर्मी के बीच संघर्ष दो पुलिस वालों के बीच दोस्ती सत, सतही तौर पर लिखित राजनीतिक हस्तक्षेप सामाजिक कारण के लिए लोगों का आनंदोलन इत्यादि शामिल है अफसोस की बात है कि इसमें किसे किसी भी पहलू का पता नहीं लग लगा लगाया गया है और अंतर्निर्दित भावना भी दर्शकों से जुड़ने में विफल रहती है क्योंकि फिल्म में बहुत सारे पहलू भर दिए गए हैं जिसका रन टाइम सिर्फ एक मिनट है यदि आप पहले नहीं जानते थे तो तमिल राशन में लैया राजा का संगीत है निर्माता इसे केवल पोस्ट रूप में या क्रेडिट में उल्लेख के रूप में कहते से कहने से संतुष्ट नहीं है उन्होंने उस्ताद और तमिल राशन के लिए उनकी रचना प्रक्रिया की विशेषता वाला एक संपूर्ण असंबल अनुक्रम प्रस्तुत करने का निर्णय लिया हम का महान संगीतकार को उनके साथ ही दिग्गजों के जे येसुदास और दिवंगत एस पी बाला के साथ काम श्रीराम को तमिल के गौरव के बारे में एक गीत गाते हुए देखते हैं और इलैया राजा के संगीत रचना के और भी दृश्य हैं क्योंकि है? शुरुआती क्रेडिट हमें बाकी कलाकारों और चालक दल के बारे में सूचित करते हैं निर्माता उस्ताद का जश्न मनाने में इतने मशहूर हैं कि वे विफल वी, फिल्म के लिए मूड बनाने के महत्व को भूल गए हैं उद्घाटन क्रेडिट के तुरंत बाद हमें सीधे कार्यवाही में डाला दिया जाता है या हम सोचते हैं हमें पुलिस अधिकारी तमिलनाडु राशन विजय अंतनी और क्रिकेट के प्रति उनके प्रेम से परिचित कराया गया है वरिष्ठ अधिकारी सोनू सूद के साथ हल्की फुल्की झड़प हुई है जिससे कुछ बड़ा होने का खतरा है लेकिन फिर फिल्म 2018 की थुतुकुडी पुलिस फायरिंग से प्रेरित होकर दोनों के बीच एक बड़ा तर्क पैदा करती है फिर उसे क्रिकेट खेलने ते हुए दिखाने में समय क्यों बर्बाद करें आप पूछ सकते हैं जैसे ही तमिल राशन की दुनिया अगले 120 मिनट तक हमारी आंखों के सामने खुलती रहती है कथानात्मक निर्णय ऐसे कई सवालों को जन्म देते हैं लेकिन अंत में हमें शायद ही कोई संतोषजनक उत्तर मिल पाता है तमिल राशन एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं जिसका जीवन उसकी पत्नी और बेटे के इर्द गिर्द घूमती है वह पुलिस व्यवस्था व्यवस्था की गला काट दुनिया के लिए उपयुक्त नहीं है और उसकी पत्नी का मानना है कि वह एक क्रिकेटर कोच के रूप में अधिक उपयुक्त होगा लेकिन फिर उनका वनस्पति प्रेमी बेटा बीमार पड़ जाता है और तमिलनाडु राशन को उसे बचाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है इसके बाद एक के एक, एक के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाएं होती है जो व्यवस्पूर्ण व्यज्ञपूर्ण प्रदर्शनों अजीब कॉमेडी ट्रैक हास्यपद गंभीर बहस और दर्दनाक एक नोट वाले पात्रों से भरपूर होती है इसका मतलब यह है कि यह नहीं है कि स्क्रिप्ट में अच्छे क्षण नहीं थे लेकिन निर्देशक ने तीव्र प्रतिशोध के साथ हर उच्च क्षण को साथी तरीके से खत्म करने का फैसला किया भ्रष्ट पुलिस वालों भ्रष्ट राजनेताओं और पैसे के भूखे स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवरों के बीच बड़ा तमिल सिनेमा के लिए कोई नहीं बात नहीं बात है। वास्तव में हमने इसे रमना के बाद इसे कई फिल्मों में देखा है और तमिल रोशन भी इस मार्च पर कुछ भी ताजा नहीं पेश करता है यह तब तक की बीमा हमेशा सभी बीमारियों को कवर नहीं करता है इसके बारे में एकमात्र दिलचस्प कारण भी पर्याप्त रूप से नहीं खोजा गया है और फिल्म के बंधक के थ्रिलर क्षेत्र में जाने से पहले इसे सिर्फ छुआ गया है फिल्म के इस हिस्सों में कुछ भी रोमांचक नहीं है किसी को विश्वास नहीं होता कि बंधकों के साथ कुछ होने वाला है और एक समय के बाद बंधकों को भी विश्वास नहीं होता है कि उनके साथ कुछ होने वाला है बेशक, तमिल राशन के धर्म की अच्छाई को प्रदर्शन और लेखन इतना के है कि ईमानदारी का एक क्षण भी मुश्किल से है इसके अलावा सुरेश गोपी के एक डॉक्टर की भूमिका निभाते हैं, जो दिखने में अच्छा लगता है लेकिन जिस तरह से उसे प्रस्तुत किया गया है वह इतना अशुभ है कि हम कहानी में लौकिक मोड आने का इंतज़ार कर रहे हैं इसके अलावा जब वह सिस्टम में फंसे एक अच्छी तनख्वा वाले डॉक्टर होने की निराशा व्यक्त करते हुए एक भाषा भाषण देते हैं तो मुझे प्रसिद्ध विजय एंथनी मीम की याद आ जाती है जिसमें कहा गया है चा पावन वाला पावनला इसी तरह जिस तरह से तमिल राशन में खलनायक स्वर्गदूतों में बदल जाते हैं वह हास्यपद रूप से सामान्य है चाहे वह ट्रिगर ट्रीगर हो, जिनकी एक भूमिका है और वह गुब्बारे से गोली चलाने वाले राइफल की तरह एक स्नाइपर का उपयोग करते हैं यह संगीत जो बेवजह बिना किसी सहानुभूति के पद्मभूषण पुरस्कार विजेता की भूमिका निभाती है उन्हें अच्छे इंसान बनने के लिए बस इतना ही करना पड़ता है सिर्फ एक डायलॉग है बम वे रूपांतरित हो जाते हैं इस तरह के असंगत स्वर परिवर्तन वर्ष परेशान करने वाले होते हैं और फिल्म को यह पता नहीं चला पाता है कि इसे कब सूक्ष्मता से चलाया जाए खासकर कॉमेडी भागों में कोई एक दृश्य में बेईमान अंग व्यापार के बारे में बात नहीं कर सकता अगले में उसके आसपास एक कॉमेडी दृश्य दिखा सकता है उसके तुरंत बाद एक भावनात्मक विस्फोट हो सकता है और दूसरे कॉमेडी दृश्य पर वापस नहीं आ सकता है और कॉमेडी बिल्कुल भी, भी मजेदार नहीं है और न ही हास्य है उपयोग यहाँ नहीं किया जा सकता है साथ ही आइए कई महत्वपूर्ण दृश्यों में तर्क की काम कमी के बारे में बात न करें तमाम बाधाओं के बावजूद तमिल राशन में कुछ पसंद है। किए जाने योग्य क्षण हैं मिलजुल कर समय बर्बाद करने के बजाय मुख्य जोड़ी के बीच रोमांस स्थापित करने के लिए एक गाने का उपयोग करने के लिए निर्माताओं की ओर इशारा करता है कुछ स्मार्ट संवाद है लेकिन वे कुछ पुराने आदान प्रदानों द्वारा बुक किए गए हैं फिल्म का मुख्य आकर्षण तमिल राशन और उनके बेटे के बीच भावनात्मक बातचीत है जहाँ विजय वास्तव में हमें भाव और के बारे में आश्वस्त करते हैं यह एक, -एक खूबसूरत दृश्य था भले ही इससे पहले कि सभी चीजें और इसके बाद जो होता है वह भावनात्मक तीव्रता प्रदान नहीं करता जैसा कि यह सोचता है तमिल रशन की शुरुआत निर्माताओं द्वारा यह बताने से होती है कि यह फिल्म निक कैशवेट्स की दो हज़ार दो की फिल्म जॉन क्यू से प्रेरित है डेजल वाशिंगटन अभिनीत मूल एक थ्रिलर थी, थी जो अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की त्रुटिपूर्ण तू, तू, प्रकृति पर एक टिप्पणी के रूप में काम करती थी एक ही आधार पर काम करने के बावजूद भारतीय संवेदनाओं के अनुकूलन की कमी तमिल राशन में टिप्पणी को केवल एक भूट फुटनोट नोट बनाती है और दूर से प्रभावशाली नहीं बनाती है मूल कोई क्लासिक नहीं था लेकिन रीमेक वास्तव में इसमें सुधार नहीं करता है हालांकि तमिल और हिंदी की कुछ पुरानी फिल्मों के विपरीत जिन्होंने वास्तव में कैशवीट के मूल को श्रेय देने की सहमत नहीं उठाई बाबू बाबू योगेश्वरन एंड कंपनी का दिल सही जगह पर है और सही काम करने करते हैं आ, भले ही वे बहुत सारी गड़बड़ियां करते हो करते हो तमिल राशन की तरह विजय एंथनी सुरेश गोपी सोनू सूद और राम्या नामिशन अभिनीत तमिल राशन का प्रीमियर 16 जून को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जी फाइव पर होगा एसएनएस प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले एस कौशल्य रानी धारा निर्मित तमिल राशन का निर्देशन बाबू योगेश्वरन द्वारा किया गया है तमिल राशन में संगीत लिया राजा ने दिया है छायांकन आर डी राजशेखर ने किया है और निर्देशन योगेश्वरन ने किया है फिल्म में छाया सिंह संगीता क्रिश योगी बाबू पांड्य राजन कस्तूरी मुहिशंकांत रोबो शंकर भी है और निर्देशक मोहन राजा के बेटे प्रणव की पहली फिल्म है अप्रैल में नाटकीय रिलीज के बाद तमिल राशन सोलह जून 2023 को जी फाइव पर अपने विश्व डिजिटल प्रीमियर के रूप में तैयार हो रहा है निर्देशक योगेश्वरन ने कहा विजय एंथनी और तमिल राशन के विस्तारित कलाकारों के साथ काम करना एक शानदार अनुभव था उन्होंने मेरे दृष्टिकोण पर विश्वास किया और अपना सब कुछ दे दिया हमने फिल्म को बहुत दिल से बनाया है और मुझे उम्मीद है कि यह जी फाइव पर वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर के माध्यम से वैश्विक दर्शकों तक पहुंचेगी, एंथनी ने कहा मैं इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए सहमत हुआ क्योंकि मुझे निर्देशक ने दृष्टिकोण पर विश्वास था तमिल राशन में ऐसे दृश्य शामिल हैं जो बड़े पैमाने पर समाज को प्रतिबिंबित करते हैं और जो आतंकित है और मुझे उम्मीद है कि यह फिल्म एक मजबूत संदेश देने में सफल होगी हालांकि यह सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म के बारे में नहीं सुना है या इसे नहीं देखा है मेरा उनमें उनसे विनम्र अनुरोध है कि वे इसे सोलह जून को जी फाइव पर देखें क्योंकि तमिल रासन एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे हर किसी को आवश्यक देखना चाहिए फ्रांसिस एंथनी सीरियल राजा को पेशेवर रूप से विजय एंथनी के नाम से भी जाना जाता है एक भारतीय संगीतकार पार्श्व गायक अभिनेता फिल्म संपादक गीतकार ऑडियो इंजीनियर और फिल्म निर्माता हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं उन्होंने 2005 में संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की वो सर्वश्रेष्ठ संगीत श्रेणी में नक्का मुक्का विज्ञापन फिल्म के गीत के लिए 2009 कांस गोल्डन लायर जीतने वाले पहले भारतीय संगीत निर्देशक हैं यह गाना दो क्रिकेट विश्व कप में बजाया गया था उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत दो में फिल्म नान से की उन्हें नान 2012, 2012, शलीम दो सलीम दो और पिचयकरण दो जैसी एक्शन थ्रिलर फिल्म ने उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है विजय एंथनी का जन्म कन्याकुमारी जिले के नागरकोइल में हुआ था जब उन्होंने मीडिया और फिल्म उद्योग में प्रवेश किया तो उन्होंने अपने मंच नाम के रूप में अग्नि को चुना था लेकिन एस ए चंद्रशेखर ने इसे बदलकर विजय कर दिया था जिन्होंने टिप्पणी की थी कि अग्नि भाग्यशाली नहीं थे और उन्होंने अपने बेटे विजय अभिनेता के नाम पर उनका नाम रखा एंथनी के अभिनय की शुरुआत क्राइम थ्रिलर नाम से हुई जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई फिल्म का स्टैंड ऑल सीक्वल जिसका नाम सलीम है एक एक्शन थ्रिलर एक अभिनेता के रूप में उनका अगला प्रोजेक्ट था जिसके लिए उन्होंने संगीत भी तैयार किया था दोनों फिल्म में स्लीपर हिट रही 2015 में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी इंडिया पाकिस्तान में अभिनय किया जिसके लिए वह संगीत निर्देशक नहीं थे दो में उन्होंने अपने डिसम निर्देशक शशि के साथ मिलकर एक्शन थ्रिलर पिछयकरण दो हजार सोलह में अभिनय करना चुना यह व्यवसायिक रूप से सफल रही कुल संग्रह 40 करोड़ के करीब रहा तेलुगु डब बिचागाडू मूल की तुलना में अधिक सफलती रही उनकी अगली फिल्म शैथन थी जो नवदीन प्रदीप कृष्ण मूर्ति धारा निर्देशित एक एक्शन थ्रिलर थी व जीवा शंकर धारा निर्देशित दो की राजनीतिक एक्शन थ्रिलर यमन में दिखाई दिए लाइका प्रोडक्शंस और विजय एंथनी की कॉरपोरेशन के बैनर तले ए ड सुभाषकरण धारा निर्मित इसमें मिया और त्यागराजन ने अभिनय किया यह फिल्म अगली फिल्म इन्ना दुराई एक, एक एक्शन ड्रामा थी यह विपरीत चरित्र वाले दो भाइयों की कहानी बताती है जिनका अलग अलग जीवन तब प्रभावित होता है जब भाग्य उनके जीवन में हस्तक्षेप करता है 2018 में उन्होंने किरुथिगा उदय निधि धारा निर्देशित एक पीरियड एक्शन फिल्म काली में अभिनय किया और गणेश धारा निर्देशित एक एक्शन फिल्म थीमिरु पूरी वच, पूरी चौवन में अभिनय किया 2019 में उन्होंने एंड्रुईज द्वारा निर्देशित और अर्जुन सरजा एक एक्शन थ्रिलर कोलाईगरन में अभिनय किया एंथनी जब सात वर्ष के थे तब उनके पिता की आत्महत्या के बाद उनकी मां ने उनका पालन पोषण किया था वह एक प्रशिक्षित संगीतकार नहीं है लेकिन उन्होंने अपना करियर एक साउंड इंजीनियर के रूप में शुरू किया और बाद में एक संगीतकार बन गए अपने तृतीय तिर्ति के शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने ऑडियो इन्फोटेनमेंट नामक एक ऑडियो स्टूडियो की स्थापना की और वहां एक साउंड इंजीनियर के रूप में काम किया एक संगीतकार के रूप में अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने ध्वनि इंजीनियरिंग पर शोध करके विज्ञापनों के लिए जिंगल और टेलीविजन शो के लिए उल्लेखनीय पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किए फिल्मों में उनका संगीत रचना उधम तब शुरू हुआ जब ऑस्कर रविचंद्र ने अपनी फिल्म डी के लिए संगीत तैयार करने के लिए एंथनी से संपर्क किया लेकिन फिल्मों में उनके संगीतकार की शुरुआत शुक्रान के माध्यम से हुई क्योंकि यह पहले रिलीज हुई थी एंथनी की शादी फातिमा विजय एंथनी से हुई है और उनकी बेटियों के नाम मीरा और लारा है सबसे बड़ी मारा की उन्नीस सितंबर दो को सोलह साल की उम्र में चेन्नई में उनके घर में आत्महत्या से मृत्यु हो गई उनके एक प्रसिद्ध परदादा सैमुअल वेदनायगम पिल्लई है जो एक तमिल कवि उपन्यासकार और सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्हें प्रताप मुदलियार चरित्र के लेखक के लिए याद किया जाता है जिससे पहले आधुनिक तमिल उपन्यास के रूप में मान्यता प्राप्त है वेदनायगम के नारी मुक्ति और शिक्षा के आदर्शन इस उपन्यास में प्रतिबिंबित होते हैं एंथनी कांस गोल्डन लायर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं उन्होंने 2009 में नक्का का विज्ञापन के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत श्रेणी में पुरस्कार जीता सुरेश गोपी एक भारतीय अभिनेता राजनीतिज्ञ पार्श्व गायक और टेलीविजन प्रस्तुत होता वह मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा में काम करते हैं और कुछ तमिल तेलुगु कन्नड़ और बॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाई देते हैं सुरेश ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एक बच्चे के रूप में उन्नीस की फिल्म ओडाइल निन्नू से की उन्होंने उन्नीस उन्हों में एक वयस्क के, के रूप में अपनी शुरुआत की और तब से उन्होंने 250 से अधिक फिल्मों में अभिनय फिल्म किया है सुरेश गोपी कलियाट्टम में अपने प्रदर्शन के लिए उन्नीस में, में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और केरल राज्य फिल्म पुरस्कार प्राप्त करता है वो भारत की संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के मनोनीय सदस्य थे सोनू सूद एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता मॉडल मानवतावादी और परोपकारी व्यक्ति हैं जो मुख्य रूप से हिंदी तेलुगु तमिल और कन्नड़ फिल्मों में काम करते हैं वह अपनी अधिकांश फिल्मों में नकारात्मक भूमिका के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं और विशेष रूप से कोविड नाइन्टीन महामारी के दौरान अपने मानवीय कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं दो हज़ार नौ में उन्हें तेलुगु ब्लॉकबस्टर अरुण धरती में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए आंध्र प्रदेश राज्य नंदी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला दो में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म दबंग में अपने प्रदर्शन के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अप्सरा पुरस्कार और नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आइफा पुरस्कार प्राप्त किया दो में उन्होंने जुलाई में उनकी भूमिका के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का एस में पुरस्कार मिला तमिलारासन एक दो हज़ार तेईस भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो बाबू योगेश्वरन धारा लिखित और निर्देशित और एस एन एस प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित है फिल्म में विजय एंथनी सुरेश गोपी और सोनू सूद हैं संगीत द्वारा रचित था यह निक कैशेट्स की दो हज़ार दो की फिल्म जॉन क्यू से प्रेरित थी तमिल राशन 22 अप्रैल 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज़ हुई थी और 16 जून 2023 को ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर रिलीज होने की उम्मीद है फिल्म को आलोचकों से विकसित समीक्षा मिली है यह फिल्म मूल रूप से 6 मार्च 2020 को रिलीज होने वाली थी लेकिन कोविड 19 महामारी संकट के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था अगली बार फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख इकतीस दिसंबर दो हज़ार इक्कीस तय की लेकिन यह फिर से स्थगित कर दी गई यह फिल्म कई वर्षों तक स्थगित रही और बाईस अप्रैल दो को रिलीज हुई जी, जी तमिल ने फिल्म के सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए जबकि जी फाइव ने डिजिटल अधिकार सुरक्षित किए यह फिल्म सोलह जून 2023 को जी फाइव प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है तमिल हराशन को आलोचकों से मिकसित समीक्षाएं मिली टाइम्स ऑफ इंडिया के एम डॉट सुगंत ने फिल्म को पाँच में से टू स्टार की रेटिंग दी और लिखा यह ट्रीटमेंट उतना ही पुराने ज़माने का है जितना ने गाने गाए हैं इसके परिणाम स्वरूप फिल्म देखने का अनुभव उतना ही उबाऊ है जितना कि आई वी ड्रीप देखना सिनेमा एक्सप्रेस के अविनाश रामचंद्रन ने फिल्म को पाँच में से दो रेटिंग दी देते हुए कहा जैसे जैसे तमिल रशन की दुनिया खुलती है जा रही है कहानी के फैसले कई सवाल उखड़े करते हैं लेकिन हमें शायद ही कोई संतोषजनक जवाब मिल पाता है ए दिनामला के समीक्षक ने फिल्म को पाँच में से दो स्टार रेटिंग दी और देते हुए कहा फिल्म को 1980 के दशक में रिलीज किया जाना था इसलिए महिलाओं ने रोया होगा और इसे देखा होगा दो तेईस में रिलीज होने में बहुत देर हो चुकी है जो बहुत उबाऊ है मलाई मलार के एक आलोचक ने फिल्म को पाँच में से दो स्टार की रेटिंग देते हुए कहा भ्रष्ट राजनेता और लालची अस्पताल कर्मचारी हमें रमना और नेजी कर्म वरी फिल्मों की याद दिलाते हैं गाने हमें सवाल करने पर मजबूर करते हैं क्या यह इलाह राजा धारा रचित है तमिला राशन एक दयालु पुलिस अधिकारी है जो एक अस्पताल को हाइजेक कर लेता है जहां उसके बेटे प्रभाकर और को भर्ती करा कराया जा गया है क्योंकि लालची अस्पताल के कर्मचारी धारा हृदय प्रत्यारोपण के लिए प्रभाकर की अपेक्षा की जाती है लेकिन तमिला राशन को भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी की ओर से बाधाओं का सामना करना पड़ता है राणा प्रताप सिंह और उनके निजी दुश्मन हैं इंस्पेक्टर तमिल राशन के रूप में विजय डॉक्टर मुरुगंधम के रूप में सुरेश गोपी संगीता पद श्रीनिवासन के रूप में लीना के रूप में रेम्यान सन राधी रवि आयुक्त सुकुमार आईपीएस के रूप में डीसीपी राणा प्रताप सिंह आईपीएस के रूप में सोनू सूद तमिलरासन के बेटे कैप्टन प्रभाकर के रूप में मास्टर प्रणव मोहन अठारी के रूप में वाईजी के रूप में रोबो शंकर, कुमार के रूप में मुनिशंकांत संकांत एक ऑटो चालक के रूप में मुख्य फोटोग्राफी 18 जनवरी 2019 को शुरू हुई इस फिल्म का संगीत इलैया आजाद ने तैयार किया है जबकि गीत अर्प ने लिखे हैं जयराम पलानी भारती और मदन कार की पूरा एल्बम रिलीज हो गया लेकिन कुछ समय बाद एल्बम में दो एकल जोड़े गए शीर्षक ट्रैक योगी बाबू योगी बी जुसैन डी मेलो और नकाश अजीज धारा जारी किया गया है था इस सभी ने इले राजा और अगले एकल थमीजान दा के लिए अपनी शुरुआत की थी और नकाश अजीज और अर्जुन चाटी धारा गाया गया था जिसमें बाद में इलैया राजा के साथ उनका पहला सहयोग था बाबू योगेश्वरन की तमिल ऐसी फिल्म है जो खामियों से भरी है जैसे एक मरीज कई मेडिकल समस्याओं से पीड़ित है लेकिन एक शिकायत है कि आप इसके खिलाफ नहीं रह सकते क्योंकि कि इसमें दिल की कमी है हृदय प्रयान के बारे में इस फिल्म में पात्र अस्पताल के गाउन से बाहर निकलने जैसी आसानी से दिल बदलने प्रतीत होते हैं यह भावनात्मक परिवर्तन कार्य ऑरियंट की तरह अचानक और अप्रत्याशित होते हैं शायद हमें कमजोर नाड़ी वाली फिल्म में ऐसी अनजाने व्योत्मक के लिए आभारी होना चाहिए इसका नायक तमिल राशन एक पुलिस वाला है जो खूनी स्वभाव का है उन्हें और उनकी प्यारी पत्नी लीना को अपने जीवन में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे प्रभाकर का दिल कमजोर है और जितनी जल्दी वे प्रत्यारोपण के लिए जाए उतना बेहतर होगा वे उसे एक अस्पताल में भर्ती कराते हैं जो दुर्भाग्य से मुनाफे की अधिक परवाह करता है और ठगे ठंडे खून वाले प्रशाकों को और पतथर दिल डॉक्टरों से भरा हुआ है एक मंत्री को भी दिल की जरूरत होने के कारण बेचारा हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर को बंधक बनाने का फैसला किया और उन्हें बहले अपने बेटे का इलाज करने के लिए मजबूर किया क्या वह अपने बेटे को बचा सकता है खासकर अपने भ्रष्ट वरिष्ठ राणा प्रताप सिंह जो से जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पहले से ही उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने की क्षमता है तमिलरासन एक ऐसी फिल्म है जो कागज़ पर भी एक मरीज को चिकित्सीय चमकदार चमत्कार की जरूरत महसूस कराती है फिल्म की लिखावट एक डॉक्टर की लिखावट की तरह बेतरतीब है और इसका स्वर एक मरीज की उतार चढ़ाव वाली नाड़ी की तरह आसमान रूप से बदलता रहता है ऐसे दृश्य के बीच स्वर में बदलाव को कोई और कैसे समझा सकता है जहाँ एक लड़का अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है ऐसे दृश्य के साथ जहाँ रोबो शंकर शब्द बाढ़ी को द्वित अर्थी बनाकर अपनी लगड़ी कॉमेडी करता है उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं योगी बाबू जिनकी कॉमेडी में मोशन पॉइंटेंट को मोशन पॉइंटेंट के साथ गाया जाता है जैसे एक फार्मासिस्ट डॉक्टर के नुस्खे को नजरअंदाज करना चुनता है वैसे ही यह फिल्म अंग प्रत्यारोपण के विषय पर शोध को खत्म कर देती है यह दृष्टिकोण केवल उन दृश्यों की ओर ले जाता है जो दर्दनाक रूप से नाटकीय और अनजाने में मजाकिया है यदि विचार अस्पतालों में चिकित्सा भ्रष्टाचार और लालच को उजागर करने का था तो हम 20 साल पहले ही रमना में यह सब सक्षम रूप से होते हुए देख चुके हैं और इसमें पुलिस बंधन की स्थिति से इतने हास्यपद तरीके से निपट रही है कि भाग्यराज के रुद्र में पुलिस कुशल लगती है हमें सुरेंद्र सुरेश गोपी संगीत कस्तूरी और राधा रवि जैसे अनुभवी अभिनेताओं का एक समूह भी मिलता है लेकिन उनका प्रदर्शन उतना ही नैदानिक और भावना से रहित होता है जितना कि ऑपरेशन टेबल पर एक सर्जन की सहायता करने वाली नर्स है इस बीच राम्या निशन को दो काम करने है विजय एंथनी के साथ है, रोमांस करना जैसे कि वह सेतुपति में विजय सेतुपति हो और एक चिंतित चिंतित माँ के रूप में अभिनय करना और केंद्र पात्र के रूप में विजय एंथनी हमेशा की तरह गंभीर हैं लेकिन उससे परे उनका प्रदर्शन एक अनुत्तरदायी रोगी की तरह कठोर है उन्होंने कहा फिल्म अपने मुख्य अभिनेता की तरह ईमानदार है यह सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार होना चाहता है और थोथुकूडी गोलीबारी का संदर्भ देता है जब महिलाओं के बारे में बात करने की बात आती है तो यह राजनीतिक रूप से सही रहता है लेकिन जब उपचार इलैया राजा द्वारा गाए गए गानों की तरह पुराने जमाने का होता है तो इसका परिणाम फिल्म देखने का अनुभव होता है जो आईवी ड्रीव देखने जितना ही उबाऊ होता है बाबू योगेश्वरन की तमिल राशन जिसमें विजय में है, एक फिल्म है। इसकी शुरुआत तमिलनाडु और दिल्ली के पुलिस अधिकारियों के बीच एक क्रिकेट मैच से होती है नायक और प्रतिपक्षी के बीच संघर्ष एक अकारुक्रम के, के साथ वही स्थापित होता है तमिल राशन एक ईमानदार पुलिसकर्मी है जिसका जीवन उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमता है जिसमें पत्नी और एक बेटा शामिल है वो अपने बेटे छोटे बेटे को एक खिलाड़ी बनने के लिए प्रोत्साहित करता है लेकिन लड़का एक असामान्य हृदय रोग से पीड़ित है तत्काल तो सर्जरी में भारी रकम खर्च होती है जिससे उसके लिए हालात और भी बदतर हो जाते हैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बावजूद तमिल राशन को एहसास हुआ कि आवश्यक राशि का भुगतान करना लगभग असंभव है अस्पताल प्रबंधन का अमानवीय व्यवहार उसे परेशानी में डाल देता है कोई विकल्प नहीं बचने पर वह एक डॉक्टर का अपहरण कर लेता है जिससे मरीजों और पुलिस विभाग में दहद, दहशत फैल जाती है एक कुख्यात पुलिसकर्मी राणा को दर्ज दर्ज करे जो अपने क्रूर व्यवसाय और ठंडे स्वभाव के लिए जाना जाता है एक ऐसा व्यक्ति के रूप में जो व्यक्तिगत कारणों से तमिल के खिलाफ बद, बदला लेने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है वह स्थिति का फायदा उठाने का प्रयास करता है कागज पर कथानक थोड़ा मुक्त पूर्ण लगता है लेकिन एक आकर्षक पटकथा से साथ एक साफ सुथरा निष्पादन फिल्म को बचा सकता था हालांकि ठोस संघर्षों की कमी नाजुक चरित्र और तार्किक खामियों फिल्म को एक थका देने वाली घड़ी बनाती है पटकथा बहुत सारी चीज़ों को छूती है लेकिन अंत में किसी को भी सही नहीं ठहरा पाती इसके कुछ हिस्से के को देखने से हमें ऐसा लगता है कि यह एक पारिवारिक ड्रामा है कुछ स्थितियाँ हमें याद दिलाती है कि यह एक एक्शन एक एक फिल्म है ऐसी है, जो हमें विश्वास दिलाती है कि यह एक मेडिकल थ्रिलर है इसमें पिता पुत्र का एंगल माँ बेटे का एंगल जूनियर और सीनियर पुलिसकर्मी के बीच संघर्ष दो पुलिस वालों के बीच दोस्ती सत, सतही तौर पर लिखित राजनीतिक हस्तक्षेप सामाजिक कारण के लिए लोगों का आनंदोलन इत्यादि शामिल है अफसोस की बात है कि इसमें किसे किसी भी पहलू का पता नहीं लग लगा लगाया गया है और अंतर्निर्दित भावना भी दर्शकों से जुड़ने में विफल रहती है क्योंकि फिल्म में बहुत सारे पहलू भर दिए गए हैं जिसका रन टाइम सिर्फ 120 मिनट है यदि आप पहले नहीं जानते थे तो तमिल राशन में लैया राजा का संगीत है निर्माता इसे केवल पोस्ट रूप में या क्रेडिट में उल्लेख के रूप में कहते से कहने से संतुष्ट नहीं है उन्होंने उस्ताद और तमिल राशन के लिए उनकी रचना प्रक्रिया की विशेषता वाला एक संपूर्ण असंबल अनुक्रम प्रस्तुत करने का निर्णय लिया हम का महान संगीतकार को उनके साथ ही दिग्गजों के जे येसुदास और दिवंगत एस पी बाला सुब्रमण्यम के साथ काम श्रीराम को तमिल के गौरव के बारे में एक गीत गाते हुए देखते हैं और इलैया राजा के संगीत रचना के और भी दृश्य हैं क्योंकि है? शुरुआती क्रेडिट हमें बाकी कलाकारों और चालक दल के बारे में सूचित करते हैं निर्माता उस्ताद का जश्न मनाने में इतने मशहूर हैं कि वे विफल वी, फिल्म के लिए मूड बनाने के महत्व को भूल गए हैं उद्घाटन क्रेडिट के तुरंत बाद हमें सीधे कार्यवाही में डाला दिया जाता है या हम सोचते हैं हमें पुलिस अधिकारी तमिल राशन विजय अंतनी और क्रिकेट के प्रति उनके प्रेम से परिचित कराया गया है वरिष्ठ अधिकारी सोनू सूद के साथ हल्की फुल्की झड़प हुई है जिससे कुछ बड़ा होने का खतरा है लेकिन फिर फिल्म 2018 की थुथुकुडी पुलिस फायरिंग से प्रेरित होकर दोनों के बीच एक बड़ा तर्क पैदा करती है फिर उसे क्रिकेट खेलने ते हुए दिखाने में समय क्यों बर्बाद करें आप पूछ सकते हैं जैसे ही तमिल राशन की दुनिया अगले 120 मिनट तक हमारी आंखों के सामने खुलती रहती है कथानात्मक निर्णय ऐसे कई सवालों को जन्म देते हैं लेकिन अंत में हमें शायद ही कोई संतोषजनक उत्तर मिल पाता है तमिल राशन एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं जिसका जीवन उसकी पत्नी और बेटे के इर्द गिर्द घूमती है वह पुलिस व्यवस्था व्यवस्था की गला काट दुनिया के लिए उपयुक्त नहीं है और उसकी पत्नी का मानना है कि वह एक क्रिकेटर कोच के रूप में अधिक उपयुक्त होगा लेकिन फिर उनका वनस्पति प्रेमी बेटा बीमार पड़ जाता है और तमिलनाडु राशन को उसे बचाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है इसके बाद एक के एक, एक के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाएं होती है जो व्यवस्पूर्ण व्यज्ञपूर्ण प्रदर्शनों अजीब कॉमेडी ट्रैक हास्यपद गंभीर बहस और दर्दनाक एक नोट वाले पात्रों से भरपूर होती है इसका मतलब यह है कि यह नहीं है कि स्क्रिप्ट में अच्छे क्षण नहीं थे लेकिन निर्देशक ने तीव्र प्रतिशोध के साथ हर उच्च क्षण को साथी तरीके से खत्म करने का फैसला किया भ्रष्ट पुलिस वालों भ्रष्ट राजनेताओं और पैसे के भूखे स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवरों के बीच बड़ा गठजोड़ तमिल सिनेमा के लिए कोई नहीं बात नहीं है वास्तव में हमने इसे रमना के बाद इसे कई फिल्मों में देखा है और तमिल रोशन भी इस मार्चे पर कुछ भी ताजा नहीं पेश करता है या तब तक की बीमा हमेशा सभी बीमारियों को कवर नहीं करता है इसके बारे में एकमात्र दिलचस्प कारण भी पर्याप्त रूप से नहीं खोजा गया है और फिल्म के बंधक के थ्रिलर क्षेत्र में जाने से पहले इसे सिर्फ छुआ गया है फिल्म के इस हिस्सों में कुछ भी रोमांचक नहीं है किसी को विश्वास नहीं होता कि बंधकों के साथ कुछ होने वाला है और एक समय के बाद बंधकों को भी विश्वास नहीं होता है कि उनके साथ कुछ होने वाला है बेशक तमिल राशन के धर्मयुद्ध की सजा सहज अच्छाई को समझा बंधक प्रदर्शन और लेखन इतना अकरबनी के है कि ईमानदारी का एक क्षण भी मुश्किल से है इसके अलावा सुरेश गोपी के एक डॉक्टर की भूमिका निभाते हैं जो दिखने में अच्छा लगता है लेकिन जिस तरह से उसे प्रस्तुत किया गया है वह इतना अशुभ है कि हम कहानी में लौकिक मोड़ आने का इंतजार कर रहे हैं इसके अलावा जब सिस्टम में फंसे एक अच्छी तनखवा वाले डॉक्टर होने की निराशा व्यक्त करते हुए एक भाषण देते हैं तो मुझे प्रसिद्ध मीम की याद आ जाती है जिसमें कहा गया है चा इसी तरह जिस तरह जिस से तमिल राशन में खलनायक स्वर्ग दूतों में बदल जाते हैं वह हास्यपद रूप से सामान्य है चाहे वह ट्रिगर हैपी सोनुसूद हो जिनकी एक कृत भूमिका है और वह गुब्बारे से गोली चलाने वाले राइफल की तरह एक स्नाइपर का उपयोग करते हैं यह संगीत जो बेवजह बिना किसी सहानुभूति के पद्म भूषण पुरस्कार विजेता की भूमिका निभाती है उन्हें अच्छे इंसान बनने के लिए बस इतना ही करना पड़ता है सिर्फ एक डायलॉग है बम वे रूपांतरित हो जाते हैं इस तरह के असंगत स्वर परिवर्तन वर्ष परेशान करने वाले होते हैं और फिल्म को यह पता नहीं चला पाता है कि इसे कब से चलाया जाए। खासकर कॉमेडी भागों में कोई एक दृश्य में बेईमान अंग व्यापार के बारे में बात नहीं कर सकता अगले में उसके आसपास एक कॉमेडी दृश्य दिखा सकता है उसके तुरंत बाद एक भावनात्मक विस्फोट हो सकता है और दूसरे कॉमेडी दृश्य पर वापस नहीं आ सकता है और कॉमेडी बिल्कुल भी, भी मज़ेदार नहीं है और न ही हास्य व्यक्तिपरण है को उनका उपयोग यहाँ नहीं किया जा सकता है साथ ही आइए कई महत्वपूर्ण दृश्यों में तर्क की कमी के बारे में बात न करें तमाम बाधाओं के बावजूद तमिल राशन में कुछ पसंद किए जाने योग्य क्षण हैं मिलजुल कर समय बर्बाद करने के बजाय मुख्य जोड़ी के बीच रोमांस स्थापित करने के लिए एक गाने का उपयोग करने के लिए निर्माताओं की ओर इशारा करता है कुछ स्मार्ट संवाद है लेकिन वे कुछ पुराने आदान प्रदानों धारा बुक किए गए हैं फिल्म का मुख्य आकर्षण तमिल रासन और उनके बेटे के बीच भावनात्मक बातचीत है जहाँ विजय वास्तव में हमें भाव और उन के बारे में आश्वस्त करते हैं यह एक, एक खूबसूरत दृश्य था भले ही इससे पहले की सभी चीजें और इसके बाद जो होता है वह भावनात्मक तीव्रता प्रदान नहीं करता जैसा कि यह सोचता है तमिल रासन की शुरुआत निर्माताओं द्वारा यह बताने से होती है कि यह फिल्म शबे की दो हजार दो की फिल्म जॉन क्यू से प्रेरित है डेजल वाशिंगटन अभिनीत मूल एक थ्रिलर थी, थी जो अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की त्रुटिपूर्ण प्रकृति पर एक टिप्पणी के रूप में काम करती थी एक ही आधार पर काम करने के बावजूद भारतीय संवेदनाओं के अनुकूलन की कमी तमिल राशन में टिप्पणी को केवल एक भूट फुट नोट बनाती है और दूर से प्रभावशाली नहीं बनाती है मूल कोई क्लासिक नहीं था लेकिन रीमेक वास्तव में इसमें सुधार नहीं करता है हालांकि तमिल और हिंदी की कुछ पुरानी फिल्मों के विपरीत जिन्होंने वास्तव में कैशवीट्स के मूल को श्रेय देने की सहमत नहीं उठाई बाबू बाबू योगेश्वरन एंड कंपनी का दिल सही जगह पर है और सही काम करने करते हैं आ, भले ही वे बहुत सारी गड़बड़ियाँ करते हो करते हो बस तमिल राशन की तरह विजय एंथनी सुरेश गोपी सोनू सूद और राम्या नामिशन अभिनीत तमिल राशन का प्रीमियर 16 जून को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जी फाइव पर होगा एस एन एस प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले एस कौशल्य रानी धारा निर्मित तमिल राशन का निर्देशन बाबू योगेश्वरन द्वारा किया गया है छायांकन आर डी राजशेखर ने किया है और निर्देशन योगेश्वरन ने किया है फिल्म में छाया सिंह संगीता कृष्ण योगी बाबू पांड्या राजन कस्तूरी रोबो शंकर भी है और निर्देशक मोहन राजा के बेटे प्रणम की पहली फिल्म है अप्रैल में नाटकीय रिलीज के बाद तमिल राशन सोलह जून दो को जी फाइव पर अपने विश्व डिजिटल प्रीमियर के रूप में तैयार हो रहा है निर्देशक योगेश्वरन ने कहा विजय एंथनी और तमिल राशन के विस्तारित कलाकारों के साथ काम करना एक शानदार अनुभव था उन्होंने मेरे दृष्टिकोण पर विश्वास किया और अपना सब कुछ दे दिया हमने फिल्म को बहुत दिल से बनाया है और मुझे उम्मीद है कि यह जी फाइव पर वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर के माध्यम से वैश्विक दर्शकों तक पहुंचेगी, एंथनी ने कहा मैं इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए सहमत हुआ क्योंकि मुझे निर्देशक ने दृष्टिकोण पर विश्वास था तमिल राशन में ऐसे दृश्य शामिल है जो बड़े पैमाने पर समाज को प्रतिबिंबित करते हैं और जो आतंकित है और मुझे उम्मीद है कि यह फिल्म एक मजबूत संदेश देने में सफल होगी हालांकि यह सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म के बारे में नहीं सुना है या इसे नहीं देखा है मेरा उनमें उनसे विनम्र अनुरोध है कि वे इसे सोलह जून को जी फाइव पर देखें क्योंकि तमिल रासन एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे हर किसी को आवश्यक देखना चाहिए फ्रांसिस एंथनी शेर राजा को पेशेवर रूप से विजय एंथनी के नाम से भी जाना जाता है एक भारतीय संगीतकार पार्श्व गायक अभिनेता फिल्म संपादक गीतकार ऑडियो इंजीनियर और फिल्म निर्माता हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं उन्होंने 2005 में संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की वह सर्वश्रेष्ठ संगीत श्रेणी में नाकाम का विज्ञापन फिल्म के गीत के लिए 2009 कांस गोल्डन लायर जीतने वाले पहले भारतीय संगीत निर्देशक हैं यह गाना दो क्रिकेट विश्व कप में बजाया गया था उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत दो में फिल्म नान से की उन्हें नान दो सलीम दो और पिचयकरण दो जैसी एक्शन थ्रिलर फिल्म में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है विजय एंथनी का जन्म कन्याकुमारी जिले के नागर कोइल में हुआ था जब उन्होंने मीडिया और फिल्म उद्योग में प्रवेश किया तो उन्होंने अपने मंच नाम के रूप में अग्नि को चुना था लेकिन एस ए चंद्रशेखर ने इसे बदलकर विजय कर दिया था जिन्होंने टिप्पणी की थी कि अग्नि भाग्यशाली नहीं थे और उन्होंने अपने बेटे विजय अभिनेता के नाम पर उनका नाम रखा विजय एंथनी के अभिनय की शुरुआत क्राइम थ्रिलर नाम से हुई जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई फिल्म का स्टैंड ऑल सीक्वल जिसका नाम सलीम है एक एक्शन थ्रिलर एक अभिनेता के रूप में उनका अगला प्रोजेक्ट था जिसके लिए उन्होंने संगीत भी तैयार किया था दोनों फिल्म में, स्लीपर हिट रही 2015 में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी इंडिया पाकिस्तान में अभिनय किया जिसके लिए वह संगीत निर्देशक नहीं थे दो हजार में उन्होंने अपने डिसम निर्देशक शशि के साथ मिलकर एक्शन थ्रिलर पिछयकरण दो हजार में अभिनय करना चुना यह व्यवसायिक रूप से सफल रही कुल संग्रह 40 करोड़ के करीब रहा तेलुगु डब बिचागाडू मूल की तुलना में अधिक सफलती रही उनकी अगली फिल्म शैथन थी जो नवदीन प्रदीप कृष्ण मूर्ति धारा निर्देशित एक निर्देशित दो की राजनीतिक एक्शन थ्रिलर यमन में दिखाई दिए लाइका प्रोडक्शंस और विजय एंथनी की कॉरपोरेशन के बैनर तले ए डर सुभाषकरण धारा निर्मित इसमें मिया और त्यागराजन ने अभिनय किया यह फिल्म फरवरी दो अगली फिल्म इन्ना दुराई एक, एक एक्शन ड्रामा थी यह विपरीत चरित्र वाले दो भाइयों की कहानी बताती है जिनका अलग अलग जीवन तब प्रभावित होता है जब भाग्य उनके जीवन में हस्तक्षेप करता है 2018 में उन्होंने किरुथिगा उदय निधि धारा निर्देशित एक पीरियड एक्शन फिल्म काली में अभिनय किया और गणेश धारा निर्देशित एक एक्शन फिल्म थीमिरु पूरी वच, पूरी चौवन में अभिनय किया 2019 में उन्होंने, उन्होंने एंड्रयूज लुइज धारा निर्देशित और अर्जुन सरजा अभिनीत एक एक्शन थ्रिलर 'कोलाइगरन' में अभिनय किया एंथनी जब सात वर्ष के थे तब उनके पिता की आत्महत्या के बाद उनकी मां ने उनका पालन पोषण किया था वह एक प्रशिक्षित संगीतकार नहीं है लेकिन उन्होंने अपना करियर एक साउंड इंजीनियर के रूप में शुरू किया और बाद में एक संगीतकार बन गए अपने तृतीय तिर्ति तृतीय शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने ऑडियो इंसो इन्फोटमेंट नामक एक ऑडियो स्टूडियो की स्थापना की और वहां एक साउंड इंजीनियर के रूप में काम किया एक संगीतकार के रूप में अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने ध्वनि इंजीनियरिंग पर शोध करके विज्ञापनों के लिए जिंगल और टेलीविजन शो के लिए उल्लेखनीय पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किए फिल्मों में उनका संगीत रचना उदम तब शुरू हुआ जब ऑस्कर रविचंद्र ने अपनी फिल्म डी के लिए संगीत तैयार करने के लिए एंथनी से संपर्क किया लेकिन फिल्मों में उनके संगीतकार की शुरुआत शुक्रान के माध्यम से हुई क्योंकि यह पहले रिलीज हुई थी एंथनी की शादी फातिमा विजय एंथनी से हुई है और उनकी बेटियों के नाम मीरा और लारा है सबसे बड़ी मारा की उन्नीस सितंबर दो को सोलह साल की उम्र में चेन्नई में उनके घर में आत्महत्या से मृत्यु हो गई उनके एक प्रसिद्ध परदादा सैमुअल वेदनायगम पिल्लई है जो एक तमिल कवि उपन्यासकार और सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्हें प्रताप मुदलियार चरित्र के लेखक के लिए याद किया जाता है जिससे पहले आधुनिक तमिल उपन्यास के रूप में मान्यता प्राप्त है वेदनागम के नारी मुक्ति और शिक्षा के आदर्शन इस उपन्यास में प्रतिबिंबित होते हैं एंथनी कांस गोल्डन लायर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं उन्होंने 2009 में नक्का का विज्ञापन के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत श्रेणी में पुरस्कार जीता सुरेश गोपी एक भारतीय अभिनेता राजनीतिज्ञ पार्श्व गायक और टेलीविजन प्रस्तुत होता वह मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा में काम करते हैं और कुछ तमिल तेलुगु कन्नड़ और बॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाई देते हैं सुरेश ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एक बच्चे के रूप में उन्नीस की फिल्म ओडाइल निन्नु से की उन्होंने उन्नीस सौ में एक वयस्क के, के रूप में अपनी शुरुआत की और तब से उन्होंने 250 से अधिक फिल्मों में अभिनय फिल्म किया है सुरेश गोपी कलियाट्टम में अपने प्रदर्शन के लिए उन्नीस सौ में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और केरल राज्य फिल्म पुरस्कार प्राप्त करता है वो भारत की संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के मनोनीय सदस्य थे सोनू सूद एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता मॉडल मानवतावादी और परोपकारी व्यक्ति हैं जो मुख्य रूप से हिंदी तेलुगु तमिल और कन्नड़ फिल्मों में काम करते हैं वह अपनी अधिकांश फिल्मों में नकारात्मक भूमिका के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं और विशेष रूप से कोविड नाइन्टीन महामारी के दौरान अपने मानवीय कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं दो हज़ार नौ में उन्हें तेलुगु ब्लॉकबस्टर अरुण धती में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए आंध्र प्रदेश राज्य नंदी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला दो में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म दबंग में अपने प्रदर्शन के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अप्सरा पुरस्कार और नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आइफा पुरस्कार प्राप्त किया दो में उन्होंने जूल में उनकी भूमिका के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का एस में पुरस्कार मिला तमिलारासन एक दो हज़ार तेईस भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो बाबू योगेश्वरन धारा लिखित और निर्देशित और एस एन एस प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित है फिल्म में विजय एंथनी सुरेश गोपी और सोनू सूद हैं संगीत द्वारा रचित था यह निक कैशेट्स की दो हज़ार दो की फिल्म जॉन क्यू से प्रेरित थी तमिल राशन 22 अप्रैल 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज़ हुई थी और सोलह जून 2023 को ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर रिलीज होने की उम्मीद है फिल्म को आलोचकों से विकसित समीक्षा मिली है यह फिल्म मूल रूप से 6 मार्च 2020 को रिलीज होने वाली थी लेकिन कोविड नाइन्टीन महामारी संकट के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था अगली बार फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख 31 दिसंबर 2021 हज़ार तक की लेकिन यह फिर से स्थगित कर दी गई यह फिल्म कई वर्षों तक स्थगित रही और 22 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई जी जी तमिल ने फिल्म के सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए जबकि जी फाइव ने डिजिटल अधिकार सुरक्षित किए यह फिल्म सोलह जून दो, दो को जी फाइव प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है तमिल हराशन को आलोचकों से समीक्षाएं मिली टाइम्स ऑफ इंडिया के एम डॉट सुगंत ने फिल्म को पाँच में से टू स्टार की रेटिंग दी और लिखा यह ट्रीटमेंट उतना ही पुराने जमाने का है जितना इलैयाराजा ने गाने गाए हैं इसके परिणाम स्वरूप फिल्म देखने का अनुभव उतना ही उबाऊ है जितना कि आई वी ड्रीप देखना सिनेमा एक्सप्रेस के अविनाश रामचंद्रन ने फिल्म को पाँच में से दो रेटिंग दी देते हुए कहा जैसे जैसे तमिल रोशन की दुनिया खुलती है जा रही है कहानी के फैसले कई सवाल उखड़े करते हैं लेकिन हमें शायद ही कोई संतोषजनक जवाब मिल पाता है ए दीनामला के समीक्षक ने फिल्म को पाँच में से दो स्टार रेटिंग दी और देते हुए कहा फिल्म को 1980 के दशक में रिलीज किया जाना था इसलिए महिलाओं ने रोया होगा और इसे देखा होगा दो तेईस में रिलीज होने में बहुत देर हो चुकी है जो बहुत उबाऊ है मलाई मलार के एक आलोचक ने फिल्म को पाँच में से दो स्टार की रेटिंग देते हुए कहा भ्रष्ट राजनेता और लालची अस्पताल कर्मचारी हमें रमना और नेजी वरई फिल्मों की याद दिलाते हैं गाने हमें सवाल करने पर मजबूर करते हैं क्या यह इलाह राजा धारा रचित है तमिला राशन एक दयालु पुलिस अधिकारी हैं जो एक अस्पताल को हाइजेक कर लेता है जहां उसके बेटे प्रभाकर और को भर्ती करा कराया जा गया है क्योंकि लालची अस्पताल के कर्मचारी धारा हृदय प्रत्यारोपण के लिए प्रभाकर की अपेक्षा की जाती है लेकिन तमिला राशन को भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी की ओर से बाधाओं का सामना करना पड़ता है राणा प्रताप सिंह और उनके निजी दुश्मन हैं इंस्पेक्टर तमिल राशन के रूप में डॉक्टर मुरुगनदास मुरुगंदम के रूप में सुरेश गोपी संगीता पद श्रीनिवासन के रूप में लीना के रूप में रेम्यानसन राधी रवि आयुक्त सुकुमार आईपीएस के रूप में डीसीपी राणा प्रताप सिंह आईपीएस के रूप में सोनू सूद तमिल राशन के बेटे कैप्टन प्रभाकर के रूप में मास्टर प्रणव मोहन अठारी के रूप में वाईजी नंबीराजन के रूप में रोबो शंकर गणेश कुमार के रूप में मुनिशंकांत संकांत एक ऑटो चालक के रूप में मुख्य फोटोग्राफी 18 जनवरी 2019 को शुरू हुई इस फिल्म का संगीत इलेय आजाद ने तैयार किया है जबकि गीत अर्प ने लिखे हैं जयराम पलानी भारती और मदन कार की पूरा एल्बम रिलीज हो गया लेकिन कुछ समय बाद एल्बम में दो एकल जोड़े गए शीर्षक ट्रैक योगी बाबू योगी बी जुसैन डी मेलो और नकाश अजीज धारा जारी किया गया है था इस सभी ने इले और अगले एकल थमीजान धा के लिए अपनी शुरुआत की थी और नकाश अजीज और अर्जुन चाटी धारा गाया गया था जिसमें बाद में इलैया राजा के साथ उनका पहला सहयोग था बाबू योगेश्वरन की तमिल ऐसी फिल्म है जो खामियों से भरी है जैसे एक मरीज कई मेडिकल समस्याओं से पीड़ित है लेकिन एक शिकायत है कि आप इसके खिलाफ नहीं रह सकते क्योंकि कि इसमें दिल की कमी है हृदय प्रयान के बारे में इस फिल्म में पात्र अस्पताल के गाउन से बाहर निकलने जैसी आसानी से दिल बदलने प्रतीत होते हैं यह भावनात्मक परिवर्तन कार्य ऑरियंट की तरह अचानक और अप्रत्याशित तो होते हैं शायद हमें कमजोर नाड़ी वाली फिल्म में ऐसी अनजाने व्योत्मक के लिए आभारी होना चाहिए इसका नायक तमिल राशन एक पुलिस वाला है जो खूनी स्वभाव का है उन्हें और उनकी प्यारी पत्नी लीना को अपने जीवन में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे प्रभाकर का दिल कमजोर है और जितनी जल्दी वे प्रत्यारोपण के लिए जाए उतना बेहतर होगा वे उसे एक अस्पताल में भर्ती कराते हैं जो दुर्भाग्य से मुनाफे की अधिक परवाह करता है और ठगे ठंडे खून वाले प्रशाकों को और पतथर दिल डॉक्टरों से भरा हुआ है एक मंत्री को भी दिल की जरूरत होने के कारण बेचारा प्रभाकर अस्पताल के लिए कम प्राथमिकता वाला बन जाता है क्रोधित तमिल राशन ने उनके हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर मुरुगन को बंधक बनाने का फैसला किया और उन्हें भले अपने बेटे का इलाज करने के लिए मजबूर किया क्या वह अपने बेटे को बचा सकता है खासकर अपने भ्रष्ट वरिष्ठ राणा प्रताप सिंह जो से जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पहले से ही उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने की क्षमता है तमिलरासन एक ऐसी फिल्म है जो कागज़ पर भी एक मरीज को चिकित्सीय चमकदार चमत्कार की जरूरत महसूस कराती है फिल्म की लिखावट एक डॉक्टर की लिखावट की तरह बेतरतीब है और इसका स्वर एक मरीज की उतार चढ़ाव वाली नाड़ी की तरह आसमान रूप से बदलता रहता है ऐसे दृश्य के बीच स्वर में बदलाव को कोई और कैसे समझा सकता है जहाँ एक लड़का अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है ऐसे दृश्य के साथ जहाँ रोबो शंकर शब्द बाड़ी को द्वित अर्थी बनाकर अपनी लगड़ी कॉमेडी करता है उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं योगी बाबू जिनकी कॉमेडी में मोशन पॉइंटेंट को मोशन पॉइंटेंट के साथ गाया जाता है जैसे एक फार्मासिस्ट डॉक्टर के नुस्खे को नजरअंदाज करना चुनता है वैसे ही यह फिल्म अंग प्रत्यारोपण के विषय पर शोध को खत्म कर देती है यह दृष्टिकोण केवल उन दृश्यों की ओर ले जाता है जो दर्दनाक रूप से नाटकीय और अनजाने में मज, मजाकिया है यदि विचार अस्पतालों में चिकित्सा भ्रष्टाचार और लालच को उजागर करने का था तो हम 20 साल पहले ही रमना में यह सब सक्षम रूप से होते हुए देख चुके हैं और इसमें पुलिस बंधन की स्थिति से इतने हास्यपद तरीके से निपट रही है कि भाग्यराज के रुद्र में पुलिस कुशल लगती है संगीत कस्तूरी और राधा रवि जैसे अनुभवी अभिनेताओं का एक समूह भी मिलता है लेकिन उनका प्रदर्शन उतना ही नैदानिक और भावना से रहित होता है जितना कि ऑपरेशन टेबल पर एक सर्जन की सहायता करने वाली नर्स इस बीच राम्या नामबीसन को दो काम करने हैं विजय एंथनी के साथ है रोमांस करना जैसे कि वह सेतुपति में विजय सेतुपति हो और एक चिंतित चिंतित माँ के रूप में अभिनय करना और केंद्र पात्र के रूप में विजय एंथनी हमेशा की तरह गंभीर हैं लेकिन उससे परे उनका प्रदर्शन एक अनुत्तरदायी रोगी की तरह कठोर है उन्होंने कहा फिल्म अपने मुख्य अभिनेता की तरह ईमानदार है यह सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार होना चाहता है और थोथुकूडी गोलीबारी का संदर्भ देता है जब महिलाओं के बारे में बात करने की बात आती है तो यह राजनीतिक रूप से सही रहता है लेकिन जब उपचार इलैया राजा द्वारा गाए गए गानों की तरह पुराने जमाने का होता है तो इसका परिणाम फिल्म देखने का अनुभव होता है जो आईवी ड्रीव देखने जितना ही उबाऊ होता है बाबू योगेश्वरन की तमिल राशन जिसमें विजयंतनी मुख्य भूमिका में है शुरुआत से ही एक थकाऊ फिल्म है इसकी शुरुआत तमिलनाडु और दिल्ली के पुलिस अधिकारियों के बीच एक, एक क्रिकेट मैच से होती है नायक और प्रतिपक्षी के बीच संघर्ष एक के अनुक्रम के साथ वही स्थापित होता है तमिल राशन एक ईमानदार पुलिसकर्मी है जिसका जीवन उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमता है जिसमें पत्नी और एक बेटा शामिल है वो अपने बेटे छोटे बेटे को एक खिलाड़ी बनने के लिए प्रोत्साहित करता है लेकिन लड़का एक असामान्य हृदय रोग से पीड़ित है तत्काल तो सर्जरी में भारी रकम खर्च होती है जिससे उसके लिए हालात और भी बदतर हो जाते हैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बावजूद तमिल राशन को एहसास हुआ कि आवश्यक राशि का भुगतान करना लगभग असंभव है अस्पताल प्रबंधन का अमानवीय व्यवहार उसे परेशानी में डाल देता है कोई विकल्प नहीं बचने पर वह एक डॉक्टर का अपहरण कर लेता है जिससे मरीजों और पुलिस विभाग में दहद, दहशत फैल जाती है एक कुख्यात पुलिसकर्मी राणा को दर्द दर्ज करे जो अपने क्रूर व्यवसाय और ठंडे स्वभाव के लिए जाना जाता है एक ऐसा व्यक्ति के रूप में जो व्यक्तिगत कारणों से तमिल के खिलाफ बद, बदला लेने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है वह स्थिति का फायदा उठाने का प्रयास करता है कागज पर कथानक थोड़ा मुहत्पूर्ण लगता है लेकिन एक आकर्षक पटकथा से साथ एक साफ सुथरा निष्पादन फिल्म को बचा सकता था हालांकि ठोस संघर्षों की कमी नाजुक चरित्र और तार्किक खामियों फिल्म को एक थका देने वाली घड़ी बनाती है पटकथा बहुत सारी चीज़ों को छूती है लेकिन अंत में किसी को भी सही नहीं ठहरा पाती इसके कुछ हिस्से के को देखने से हमें ऐसा लगता है कि यह एक पारिवारिक ड्रामा है कुछ स्थितियाँ हमें याद दिलाती है कि यह एक एक्शन एक एक फिल्म है ऐसी है जो हमें विश्वास दिलाती है कि यह एक मेडिकल थ्रिलर है इसमें पिता पुत्र का एंगल माँ बेटे का एंगल जूनियर और सीनियर पुलिसकर्मी के बीच संघर्ष दो पुलिस वालों के बीच दोस्ती सतही सत तौर पर लिखित राजनीतिक हस्तक्षेप सामाजिक कारण के लिए लोगों का आनंदोलन इत्यादि शामिल है अफसोस की बात है कि इसमें किसी किसी भी पहलू का पता नहीं लग लगा लगाया गया है और अंतर्निर्दित भावना भी दर्शकों से जुड़ने में विफल रहती है क्योंकि फिल्म में बहुत सारे पहलू भर दिए गए हैं जिसका रन टाइम सिर्फ 120 मिनट है यदि आप पहले नहीं जानते थे तो तमिल राशन में लैया राजा का संगीत है निर्माता इसे केवल पोस्टरों में या क्रेडिट में उल्लेख के रूप में कहते से कहने से संतुष्ट नहीं है उन्होंने उस्ताद और तमिल राशन के लिए उनकी रचना प्रक्रिया की विशेषता वाला एक संपूर्ण असेंबल अनुक्रम प्रस्तुत करने का निर्णय लिया हम का, महान संगीतकार को उनके साथ ही दिग्गजों के जे येसुदास और दिवंगत एस पी बाला के साथ श्रीराम को तमिल के गौरव के बारे में एक गीत गाते हुए देखते हैं और इलैया राजा के संगीत रचना के और भी दृश्य है क्योंकि शुरुआती क्रेडिट हमें बाकी कलाकारों और चालक दल के बारे में सूचित करते हैं निर्माता उस्ताद का जश्न मनाने में इतने मशहूर हैं कि वे विफल वी, फिल्म के लिए मूड बनाने के महत्व को भूल गए हैं उद्घाटन क्रेडिट के तुरंत बाद हमें सीधे कार्यवाही में डाला दिया जाता है या हम सोचते हैं हमें पुलिस अधिकारी तमिल राशन विजय अंतनी और क्रिकेट के प्रति उनके प्रेम से परिचित कराया गया है वरिष्ठ अधिकारी सोनू सूद के साथ हल्की फुल्की झड़प हुई है जिससे कुछ से होने का खतरा है लेकिन फिर फिल्म 2018 की थुथुकुडी पुलिस फायरिंग से प्रेरित होकर दोनों के बीच एक बड़ा तर्क पैदा करती है फिर उसे क्रिकेट खेलने लेते हुए दिखाने में समय क्यों बर्बाद करें आप पूछ सकते हैं जैसे ही तमिल राशन की दुनिया अगले 120 मिनट तक हमारी आंखों के सामने खुलती रहती है कथानात्मक निर्णय ऐसे कई सवालों को जन्म देते हैं लेकिन अंत में हमें शायद ही कोई संतोषजनक उत्तर मिल पाता है तमिल राशन एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं जिसका जीवन उसकी पत्नी और बेटे के इर्द गिर्द घूमती है वह पुलिस व्यवस्था व्यवस्था की गला काट दुनिया के लिए उपयुक्त नहीं है और उसकी पत्नी का मानना है कि वह एक क्रिकेटर कोच के रूप में अधिक उपयुक्त होगा लेकिन फिर उनका वनस्पति प्रेमी बेटा बीमार पड़ जाता है और तमिल रासन को उसे बचाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है इसके बाद एक के एक, एक के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाएं होती है जो व्यवस्पर्ण व्यज्ञपूर्ण प्रदर्शनों अजीब कॉमेडी ट्रैक हास्यपद गंभीर बहस और दर्दनाक एक नोट वाले पात्रों से भरपूर होती है इसका मतलब यह है कि यह नहीं है कि स्क्रिप्ट में अच्छे क्षण नहीं थे लेकिन निर्देशक ने तीव्र प्रतिशोध के साथ हर उच्च क्षण को साती तरीके से खत्म करने का फैसला किया भ्रष्ट पुलिस वालों भ्रष्ट राजनेताओं और पैसे के भूखे स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवरों के बीच बड़ा गठजोड़ तमिल सिनेमा के लिए कोई नहीं बात नहीं है वास्तव में हमने इसे रमना के बाद इसे कई फिल्मों में देखा है और तमिल रोशन भी इस मार्चे पर कुछ भी ताजा नहीं पेश करता है या तक, तक की बीमा हमेशा सभी बीमारियों को कवर नहीं करता है इसके बारे में एकमात्र दिलचस्प कारण भी पर्याप्त रूप से नहीं खोजा गया है और फिल्म के बंधक के थ्रिलर क्षेत्र में जाने से पहले इसे सिर्फ छुआ गया है फिल्म के इस में कुछ भी रोमांचक नहीं है किसी को विश्वास नहीं होता कि बंधकों के साथ कुछ होने वाला है और एक समय के बाद बंधकों को भी विश्वास नहीं होता है कि उनके साथ कुछ होने वाला है बेशक तमिल राशन के धर्मयुद्ध की सजा सहज अच्छाई को समझा बंधक प्रदर्शन और लेखन इतना अकार्बनिक है कि ईमानदारी का एक क्षण भी मुश्किल से है इसके अलावा सुरेश गोपी के एक डॉक्टर की भूमिका निभाते हैं जो दिखने में अच्छा लगता है लेकिन जिस तरह से उसे प्रस्तुत किया गया है वह इतना अशुभ है कि हम कहानी में लौकिक मोड़ आने का इंतजार कर रहे हैं इसके अलावा जब वह सिस्टम में फंसे एक अच्छी तनख़वा वाले डॉक्टर होने की निराशा व्यक्त करते हुए एक भाषा भाषण देते हैं तो मुझे प्रसिद्ध विजय एंथनी मीम की याद आ जाती है जिसमें कहा गया है चा पावन वाला पावमला इसी तरह जिस तरह से तमिल राशन में खलनायक स्वर्ग दूतों में बदल जाते हैं वह हास्यपद रूप से सामान्य है चाहे वह ट्रिगर हैप्पी सोनुसूद हो जिनकी एक कृत भूमिका है और वह गुब्बारे से गोली चलाने वाले राइफल की तरह एक स्नाइपर को आ, का उपयोग करते हैं यह संगीत जो बेवजह बिना किसी सहानुभूति के पद्मभूषण पुरस्कार विजेता की भूमिका निभाती है उन्हें अच्छे इंसान बनने के लिए बस इतना ही करना पड़ता है सिर्फ एक डायलॉग है बम वे रूपांतरित हो जाते हैं इस तरह के असंगत स्वर परिवर्तन वर्ष परेशान करने वाले होते हैं और फिल्म को यह पता नहीं चला पाता है कि इसे कब से चलाया जाए खासकर कॉमेडी भागों में कोई एक दृश्य में बेईमान अंग व्यापार के बारे में बात नहीं कर सकता अगले में उसके आसपास एक कॉमेडी दृश्य दिखा सकता है उसके तुरंत बाद एक भावनात्मक विस्फोट हो सकता है और दूसरे कॉमेडी दृश्य पर वापस नहीं आ सकता है और कॉमेडी बिल्कुल भी मजेदार नहीं है और न ही हास्य है उपयोग यहाँ नहीं किया जा सकता है साथ ही आइए कई महत्वपूर्ण दृश्यों में तर्क की कमी के बारे में बात न करें तमाम बाधाओं के बावजूद तमिल राशन में कुछ पसंद किए जाने योग्य क्षण हैं मिलजुल कर समय बर्बाद करने के बजाय मुख्य जोड़ी के बीच रोमांस स्थापित करने के लिए एक गाने का उपयोग करने के लिए निर्माताओं की ओर इशारा करता है कुछ स्मार्ट संवाद है लेकिन वे कुछ पुराने आदान प्रदानों द्वारा बुक किए गए हैं फिल्म का मुख्य आकर्षण तमिल राशन और उनके बेटे के बीच भावनात्मक बातचीत है जहाँ विजय वास्तव में हमें भाव और उन के बारे में आश्वस्त करते हैं यह एक, -एक खूबसूरत दृश्य था भले ही इससे पहले कि सभी चीजें और इसके बाद जो होता है वह भावनात्मक तीव्रता प्रदान नहीं करता जैसा कि यह सोचता है तमिल तो की शुरुआत निर्माताओं द्वारा यह बताने से होती है कि यह फिल्म की दो हजार दो की फिल्म जॉन क्यू से प्रेरित है डेजल वाशिंगटन अभिनीत मूल एक थ्रिलर थी, थी जो अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की त्रुटिपूर्ण प्रकृति पर एक टिप्पणी के रूप में काम करती थी एक ही आधार पर काम करने के बावजूद भारतीय संवेदनाओं के अनुकूलन की कमी तमिल राशन में टिप्पणी को केवल एक भूट फुट नोट बनाती है और दूर से प्रभावशाली नहीं बनाती है मूल कोई क्लासिक नहीं था लेकिन रीमेक वास्तव में इसमें सुधार नहीं करता है हालांकि तमिल और हिंदी की कुछ पुरानी फिल्मों के विपरीत जिन्होंने वास्तव में कैशवीट के मूल को श्रेय देने की सहमत नहीं उठाई बाबू बाबू योगेश्वरन एंड कंपनी का दिल सही जगह पर है और सही काम करने करते हैं आ, भले ही वे बहुत सारी गड़बड़ियाँ करते हो करते हो बस तमिल राशन की तरह विजय एंथनी सुरेश गोपी सोनू सूद और राम्या नामिशन अभिनीत तमिल राशन का प्रीमियर 16 जून को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जी फाइव पर होगा एस एन एस प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले एस कौशल्य रानी धारा निर्मित तमिल राशन का निर्देशन बाबू योगेश्वरन द्वारा किया गया है तमिलर एक्शन में संगीत लेया राजा ने दिया है छायांकन आर डी राजशेखर ने किया है और निर्देशन योगेश्वरन ने किया है फिल्म में छाया सिंह संगीता कृष्ण योगी बाबू पांड्या राजन कस्तूरी मोहिशंकरंत रोबो शंकर भी है और निर्देशक मोहन राजा के बेटे प्रणब की पहली फिल्म है अप्रैल में नाटकीय रिलीज के बाद तमिल राशन सोलह जून 2023 को जी फाइव पर अपने विश्व डिजिटल प्रीमियर के रूप में तैयार हो रहा है निर्देशक योगेश्वरन ने कहा विजय एंथनी और तमिल राशन के विस्तारित कलाकारों के साथ काम करना एक शानदार अनुभव था उन्होंने मेरे दृष्टिकोण पर विश्वास किया और अपना सब कुछ दे दिया हमने फिल्म को बहुत दिल से बनाया है और मुझे उम्मीद है कि अजीफाई पर वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर के माध्यम से वैश्विक दर्शकों तक पहुंचेगी। एंथनी ने कहा मैं इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए सहमत हुआ क्योंकि मुझे निर्देशक ने दृष्टिकोण पर विश्वास था तमिल राशन में ऐसे दृश्य शामिल है जो बड़े पैमाने पर समाज को प्रतिबिंबित करते हैं और जो आतंकित है और मुझे उम्मीद है कि यह फिल्म एक मजबूत संदेश देने में सफल होगी हालांकि यह सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म के बारे में नहीं सुना है या इसे नहीं देखा है मेरा उनमें उनसे विनम्र अनुरोध है कि वे इसे सोलह जून को जी फाइव पर देखें क्योंकि तमिल रशन एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे हर किसी को आवश्यक देखना चाहिए फ्रांसिस एंथनी सीरियल राजा को पेशेवर रूप से विजय एंथनी के नाम से भी जाना जाता है एक भारतीय संगीतकार पार्श्व गायक अभिनेता फिल्म संपादक गीतकार ऑडियो इंजीनियर और फिल्म निर्माता हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं उन्होंने 2005 में संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की वह सर्वश्रेष्ठ संगीत श्रेणी में नक्का का विज्ञापन फिल्म के गीत के लिए 2009 कांस गोल्डन लायर जीतने वाले पहले भारतीय संगीत निर्देशक हैं यह गाना दो क्रिकेट विश्व कप में बजाया गया था उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत दो में फिल्म नान से की उन्हें नान दो सलीम दो और पिचयकरण दो हजार जैसी एक्शन थ्रिलर फिल्म में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है विजय एंथनी का जन्म कन्याकुमारी जिले के नागर कोइल में हुआ था जब उन्होंने मीडिया और फिल्म उद्योग में प्रवेश किया तो उन्होंने अपने मंच नाम के रूप में अग्नि को चुना था लेकिन एस ए चंद्रशेखर ने इसे बदलकर विजय कर दिया था जिन्होंने टिप्पणी की थी कि अग्नि भाग्यशाली नहीं थे और उन्होंने अपने बेटे विजय अभिनेता के नाम पर उनका नाम रखा विजय एंथनी के अभिनय की शुरुआत क्राइम थ्रिलर नाम से हुई जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई फिल्म का स्टैंड और सीक्वल जिसका नाम सलीम है एक एक्शन थ्रिलर एक अभिनेता के रूप में उनका अगला प्रोजेक्ट था जिसके लिए उन्होंने संगीत भी तैयार किया था दोनों फिल्म स्लीपर हिट रही 2015 में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी इंडिया पाकिस्तान में अभिनय किया जिसके लिए वह संगीत निर्देशक नहीं थे दो हजार में उन्होंने अपने डिसम निर्देशक शशि के साथ मिलकर एक्शन थ्रिलर पिछे करण दो हजार में अभिनय करना चुना यह व्यवसायिक रूप से सफल रही कुल संग्रह 40 करोड़ के करीब रहा तेलुगु डब बिचागाडू मूल की तुलना में अधिक सफलती रही उनकी अगली फिल्म शैथन थी जो नवदीन प्रदीप कृष्णमूर्ति द्वारा निर्देशित एक एक्शन एक थ्रिलर थी व जीवा शंकर द्वारा निर्देशित दो की राजनीतिक एक्शन थ्रिलर यमन में दिखाई दिए लाइका प्रोडक्शंस और विजय एंथनी की कॉरपोरेशन के बैनर तले ए डर सुभाषकरण धारा निर्मित इसमें मियाँ और त्यागराजन ने अभिनय किया यह फिल्म फरवरी दो अगली फिल्म इन्ना दुराई एक, एक एक्शन ड्रामा थी यह विपरीत चरित्र वाले दो भाइयों की कहानी बताती है जिनका अलग अलग जीवन तब प्रभावित होता है जब भाग्य उनके जीवन में हस्तक्षेप करता है 2018 में उन्होंने किरुथिगा उदय निधि धारा निर्देशित एक पीरियड एक्शन फिल्म काली में अभिनय किया और गणेश धारा निर्देशित एक एक्शन फिल्म थीमिरु पूरी वच, पूरी चौवन में अभिनय किया 2019 में उन्होंने एंड्रयूज़ निर्देशित और अर्जुन सर्जा एक थ्रिलर कोलाईगरन में अभिनय किया एंथनी जब सात वर्ष के थे तब उनके पिता की आत्महत्या के बाद उनकी मां ने उनका पालन पोषण किया था वह एक प्रशिक्षित संगीतकार नहीं है लेकिन उन्होंने अपना करियर एक साउंड इंजीनियर के रूप में शुरू किया और बाद में एक संगीतकार बन गए अपने तृतीय तिर्ति के शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने ऑडियो इन्फोटेनमेंट नामक एक ऑडियो स्टूडियो की स्थापना की और वहां एक साउंड इंजीनियर के रूप में काम किया एक संगीतकार के रूप में अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने ध्वनि इंजीनियरिंग पर शोध करके विज्ञापनों के लिए जिंगल और टेलीविजन शो के लिए उल्लेखनीय पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किए फिल्मों में उनका संगीत रचना उदम तब शुरू हुआ जब ऑस्कर रविचंद्र ने अपनी फिल्म डीसीएम के लिए संगीत तैयार करने के लिए एंथनी से संपर्क किया लेकिन फिल्मों में उनके संगीतकार की शुरुआत शुक्रान के माध्यम से हुई क्योंकि यह पहले रिलीज हुई थी एंथनी की शादी फातिमा विजय एंथनी से हुई है और उनकी बेटियों के नाम मीरा और लारा है सबसे बड़ी मारा की उन्नीस सितंबर दो को सोलह साल की उम्र में चेन्नई में उनके घर में आत्महत्या से मृत्यु हो गई उनके एक प्रसिद्ध परदादा सैमुअल वेदनायगम पिल्लई है जो एक तमिल कवि उपन्यासकार और सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्हें प्रताप मुदलियार चरित्र के लेखक के लिए याद किया जाता है जिससे पहले आधुनिक तमिल उपन्यास के रूप में मान्यता प्राप्त है वेदनागम के नारी मुक्ति और शिक्षा के आदर्शन इस उपन्यास में प्रतिबिंबित होते हैं एंथनी कांस गोल्डन लायर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय है उन्होंने 2009 में नक्का का विज्ञापन के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत श्रेणी में पुरस्कार जीता तमिलारासन एक दो भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो बाबू योगेश्वरन धारा लिखित और निर्देशित और एस एन प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित है फिल्म में विजय एंथनी सुरेश गोपी और सोनू सूद हैं संगीत द्वारा रचित था यह निक कैशवेट्स की 2002 दो की फिल्म जॉन क्यू से प्रेरित थी तमिल राशन अप्रैल 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 16 जून 2023 को ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर रिलीज होने की उम्मीद है फिल्म को आलोचकों से मिक्सी समीक्षा मिली है यह फिल्म मूल रूप से 6 मार्च 2020 को रिलीज होने वाली थी लेकिन कोविड 19 महामारी संकट के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था अगली बार फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख इकतीस दिसंबर दो हज़ार इक्कीस तय की लेकिन यह फिर से स्थगित कर दी गई यह फिल्म कई वर्षों तक स्थगित रही और बाईस अप्रैल दो हज़ार तेईस को रिलीज हुई जी, जी तमिल ने फिल्म के सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए जबकि जी फाइव ने डिजिटल अधिकार सुरक्षित किए यह फिल्म सोलह जून दो हजार तेईस को जी फाइव प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है तमिल रासन को आलोचकों से मिकसित समीक्षाएं मिली टाइम्स ऑफ इंडिया के एम डॉट सुगंत ने फिल्म को पाँच में से टू स्टार की रेटिंग दी और लिखा यह ट्रीटमेंट उतना ही पुराने ज़माने का है जितना इलैया राज आई वी ड्रीप देखना सिनेमा एक्सप्रेस के अविनाश रामचंद्रन ने फिल्म को पाँच में से दो रेटिंग दी देते हुए कहा जैसे जैसे तमिल रासन की दुनिया खुलती है जा रही है कहानी के फैसले कई सवाल उखड़े करते हैं लेकिन हमें शायद ही कोई संतोषजनक जवाब मिल पाता है ए दिनामला के समीक्षक ने फिल्म को पाँच में से दो स्टार रेटिंग दी और देते हुए कहा फिल्म को उन्नीस के दशक में रिलीज किया जाना था इसलिए महिलाओं ने रोया होगा और इसे देखा होगा दो में रिलीज होने में बहुत देर हो चुकी है जो बहुत उबाऊ है मलाई मलार के एक आलोचक ने फिल्म को पाँच में से दो स्टार की रेटिंग देते हुए कहा भ्रष्ट राजनेता और लालची अस्पताल कर्मचारी हमें रमना और नेजी वरई फिल्मों की याद दिलाते हैं गाने हमें सवाल करने पर मजबूर करते हैं क्या यह इलाह राजा धारा रचित है तमिला राशन एक दयालु पुलिस अधिकारी हैं जो एक अस्पताल को हाइजेक कर लेता है जहां उसके बेटे प्रभाकर और को भर्ती करा कराया जा गया है क्योंकि लालची अस्पताल के कर्मचारी धारा हृदय परित प्रत्यारोपण के लिए प्रभाकर की अपेक्षा की जाती है लेकिन तमिलासन को भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी की ओर से बाधाओं का सामना करना पड़ता है राणा प्रताप सिंह और उनके निजी दुश्मन हैं इंस्पेक्टर तमिल राशन के रूप में डॉक्टर मुरुगनदास मुरुगंधम के रूप में सुरेश गोपी संगीता पद श्रीनिवासन के रूप में लीना के रूप में रेम्यान राधी रवि आयुक्त सुकुमार आईपीएस के रूप में डीसीपी राणा प्रताप सिंह आईपीएस के रूप में सोनू सूद राशन के बेटे कैप्टन प्रभाकर के रूप में मास्टर प्रणव मोहन अठारी के रूप में वाईजी नंबीराजन के रूप में रोबो शंकर गणेश कुमार के रूप में मुनि संका श्रेडियन एक ऑटो चालक के रूप में मुख्य फोटोग्राफी 18 जनवरी 2019 को शुरू हुई इस फिल्म का संगीत इलेय आजाद ने तैयार किया है जबकि गीत अर्प ने लिखे है जयराम पलानी भारती और मदन कार की पूरा एल्बम रिलीज हो गया लेकिन कुछ समय बाद एल्बम में दो एकल जोड़े गए शीर्षक ट्रैक योगी बाबू योगी बी जुसैन डी मेलो और नकाश अजीज धारा जारी किया गया है था इस सभी ने इले राजा और अगले एकल थमीजान धा के लिए अपनी शुरुआत की थी और नकाश अजीज और अर्जुन चाटी द्वारा गाया गया था जिसमें बाद में इलिया राजा के साथ उनका पहला सहयोग था बाबू योगेश्वरन की तमिल रास ने कैसी फिल्म है जो खामियों से भरी है जैसे एक मरीज कई मेडिकल समस्याओं से पीड़ित है लेकिन एक शिकायत है कि आप इसके खिलाफ नहीं रह सकते क्योंकि कि इसमें दिल की कमी है हृदय प्रत्यारोपण के बारे में इस फिल्म में पात्र अस्पताल के गाउन से बाहर निकलने जैसी आसानी से दिल बदलने प्रतीत होते हैं यह भावनात्मक परिवर्तन कार्य की तरह अचानक और अप्रत्याशित तो होते हैं शायद हमें कमजोर नाड़ी वाली फिल्म में ऐसी अनजाने व्योत्मक के लिए आभारी होना चाहिए इसका नायक तमिल राशन एक पुलिस वाला है जो खूनी स्वभाव का है उन्हें और उनकी प्यारी पत्नी लीना को अपने जीवन में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे प्रभाकर का दिल कमजोर है और जितनी जल्दी वे प्रत्यारोपण के लिए जाए उतना बेहतर होगा वे उसे एक अस्पताल में भर्ती कराते हैं जो दुर्भाग्य से मुनाफे की अधिक परवाह करता है और ठगे ठंडे खून वाले प्रशाकों को और पथतर दिल डॉक्टरों से भरा हुआ है एक मंत्री को भी दिल की जरूरत होने के कारण बेचारा प्रभाकर अस्पताल के लिए कम प्राथमिकता वाला बन जाता है। कुरुधिते ने उनके विशेषज्ञ डॉक्टर को बंधक बनाने का फैसला किया और उन्हें बहले अपने बेटे का इलाज करने के लिए मजबूर किया क्या वह अपने बेटे को बचा सकता है खासकर अपने भ्रष्ट वरिष्ठ राणा प्रताप सिंह जो से जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पहले से ही उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने की क्षमता है रासन एक ऐसी फिल्म है जो कागज़ पर भी एक मरीज को चिकित्सीय चमकदार चमत्कार की ज़रूरत महसूस कराती है फिल्म की लिखावट एक डॉक्टर की लिखावट की तरह बेतरतीब है और इसका श्वेर एक मरीज की उतार चढ़ाव वाली नाड़ी की तरह रूप से बदलता रहता है ऐसे दृश्य के बीच स्वर में बदलाव को कोई और कैसे सकता है जा एक लड़का अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है ऐसे दृश्य के साथ जहां रोबो शंकर शब्द बाढ़ी को अर्थी बनाकर अपनी लगड़ी कॉमेडी करता है उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं योगी बाबू जिनकी कॉमेडी में मोशन पोइटेंट को मोशन पॉइंटेंट के साथ गाया जाता है जैसे एक डॉक्टर के नुस्खे को नज़रअंदाज करना चुनता है वैसे ही यह फिल्म अंग प्रत्यारोपण के विषय पर शोध को खत्म कर देती है यह दृष्टिकोण केवल उन दृश्यों की ओर ले जाता है जो दर्दनाक रूप से नाटकीय और अनजाने में मज, मजाकिया है यदि विचार अस्पतालों में चिकित्सा भ्रष्टाचार और लालच को उजागर करने का था तो हम 20 साल पहले ही रमना में यह सब सक्षम रूप से होते हुए देख चुके हैं और इसमें पुलिस बंधन की स्थिति से इतने हास्यपद तरीके से निपट रही है कि भाग्यराज के रुद्र में पुलिस कुशल लगती है हमें सुरेंद्र सुरेश गोपी संगीत कस्तूरी और राधा रवि जैसे अनुभवी अभिनेताओं का एक समूह भी मिलता है लेकिन उनका प्रदर्शन उतना ही नैदानिक और भावना से रहित होता है जितना कि ऑपरेशन टेबल पर एक सर्जन की सहायता करने वाली नर्स है इस बीच राम्या नामबीसन को दो काम करने हैं विजय एंथनी के साथ रोमांस करना जैसे कि वह सेतुपति में विजय सेतुपति हो और एक चिंतित चिंतित माँ के रूप में अभिनय करना और केंद्र पात्र के रूप में विजय एंथनी हमेशा की तरह गंभीर हैं लेकिन उससे परे उनका प्रदर्शन एक अनुत्तरदायी रोगी की तरह कठोर है उन्होंने कहा फिल्म अपने मुख्य अभिनेता की तरह ईमानदार है यह सामाजिक रूप से जिम्मेदार होना चाहता है और थोथुकुडी गोलीबारी का संदर्भ देता है जब महिलाओं के बारे में बात करने की बात आती है तो यह राजनीतिक रूप से सही रहता है लेकिन जब उपचार इलैया राजा द्वारा गाए गए गानों की तरह पुराने जमाने का होता है तो इसका परिणाम फिल्म देखने का अनुभव होता है जो आईवी वी देखने जितना ही उबाऊ होता है अब योगेश्वरन की तमिल रासन जिसमें विजयंतनी मुख्य भूमिका में है शुरुआत से ही एक थकाऊ फिल्म है इसकी शुरुआत तमिलनाडु और दिल्ली के पुलिस अधिकारियों के बीच एक क्रिकेट मैच से होती है नायक और प्रतिपक्षी के बीच संघर्ष एक आकार बने के अनुक्रम के साथ वही स्थापित होता है तमिल रासन एक ईमानदार पुलिसकर्मी है जिसका जीवन उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमता है जिसमें पत्नी और एक बेटा शामिल है वो अपने बेटे छोटे बेटे को एक खिलाड़ी बनने के लिए प्रोत्साहित करता है लेकिन लड़का एक असामान्य हृदय रोग से पीड़ित है तत्काल तो सर्जरी में भारी रकम खर्च होती है जिससे उसके लिए हालात और भी बदतर हो जाते हैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बावजूद तमिल राशन को एहसास हुआ कि आवश्यक राशि का भुगतान करना लगभग असंभव है अस्पताल प्रबंधन का अमानवीय व्यवहार उसे परेशानी में डाल देता है कोई विकल्प नहीं बचने पर वह एक डॉक्टर का अपहरण कर लेता है जिससे मरीजों और पुलिस विभाग में दहद, दहशत फैल जाती है एक कुख्यात पुलिसकर्मी राणा को दर्द दर्ज करे जो अपने क्रूर व्यवसाय और ठंडे स्वभाव के लिए जाना जाता है एक ऐसा व्यक्ति के रूप में जो व्यक्तिगत कारणों से तमिल के खिलाफ बद, बदला लेने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है वह स्थिति का फायदा उठाने का प्रयास करता है कागज पर कथानक थोड़ा मुक्तपूर्ण लगता है लेकिन एक आकर्षक पटकथा से साथ एक साफ़ सुथरा निष्पादन फिल्म को बचा सकता था हालांकि ठोस संघर्षों की कमी नाजुक चरित्र और तार्किक खामियों फिल्म को एक थका देने वाली घड़ी बनाती है पटकथा बहुत सारी चीज़ों को छूती है लेकिन अंत में किसी को भी सही नहीं ठहरा पाती इसके कुछ हिस्से के को देखने से हमें ऐसा लगता है कि यह एक पारिवारिक ड्रामा है कुछ स्थितियाँ हमें याद दिलाती है कि यह एक एक्शन एक एक फिल्म है ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो हमें विश्वास दिलाती है कि यह एक मेडिकल थ्रिलर है इसमें पिता पुत्र का एंगल माँ बेटे का एंगल जूनियर और सीनियर पुलिसकर्मी के बीच संघर्ष दो पुलिस वालों के बीच दोस्ती सतही सत तौर पर लिखित राजनीतिक हस्तक्षेप सामाजिक कारण के लिए लोगों का आनंदोलन इत्यादि शामिल है अफसोस की बात है कि इसमें किसे किसी भी पहलू का पता नहीं लग लगा लगाया गया है और अंतर्निर्दित भावना भी दर्शकों से जुड़ने में विफल रहती है क्योंकि फिल्म में बहुत सारे पहलू भर दिए गए हैं जिसका रन टाइम सिर्फ 120 मिनट है यदि आप पहले नहीं जानते थे तो तमिल राशन में लैया राजा का संगीत है निर्माता इसे केवल पोस्ट रूप में या क्रेडिट में उल्लेख के रूप में कहते से कहने से संतुष्ट नहीं है उन्होंने उस्ताद और तमिल राशन के लिए उनकी रचना प्रक्रिया की विशेषता वाला एक संपूर्ण असेंबल अनुक्रम प्रस्तुत करने का निर्णय लिया हम महान संगीतकार को उनके साथ ही दिग्गजों के जे येसुदास और दिवंगत एस पी के साथ काम श्रीराम को तमिल के गौरव के बारे में एक गीत गाते हुए देखते हैं और इलैया राजा के संगीत रचना के और भी दृश्य है क्योंकि शुरुआती क्रेडिट हमें बाकी कलाकारों और चालक दल के बारे में सूचित करते हैं निर्माता उस्ताद का जश्न मनाने में इतने मशहूर हैं कि वे विफल वी, फिल्म के लिए मूड बनाने के महत्व को भूल गए हैं पूर्ण उद्घाटन क्रेडिट के तुरंत बाद हमें सीधे कार्यवाही में डाला दिया जाता है या हम सोचते हैं हमें पुलिस अधिकारी तमिल राशन विजय अंतनी और क्रिकेट के प्रति उनके प्रेम से परिचित कराया गया है वरिष्ठ अधिकारी सोनू सूद के साथ हल्की फुल्की झड़प हुई है जिससे कुछ वड़ा होने का खतरा है लेकिन फिर फिल्म 2018 की थुथुकुडी पुलिस फायरिंग से प्रेरित तो होकर दोनों के बीच एक बड़ा तर्क पैदा करती है फिर उसे क्रिकेट खेलने ते हुए दिखाने में समय क्यों बर्बाद करें आप पूछ सकते हैं जैसे ही तमिल राशन की दुनिया अगले 120 मिनट तक हमारी आंखों के सामने खुलती रहती है कथानात्मक निर्णय ऐसे कई सवालों को जन्म देते हैं लेकिन अंत में हमें शायद ही कोई संतोषजनक उत्तर मिल पाता है तमिल राशन एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है जिसका जीवन उसकी पत्नी और बेटे के इर्द गिर्द घूमती है वह पुलिस व्यवस्था व्यवस्था की गला काट दुनिया के लिए उपयुक्त नहीं है और उसकी पत्नी का मानना है कि वह एक क्रिकेटर कोच के रूप में अधिक उपयुक्त होगा लेकिन फिर उनका वनस्पति प्रेमी बेटा बीमार पड़ जाता है और तमिलनाडु राशन को उसे बचाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है इसके बाद एक के एक, एक के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाएं होती है जो व्यवषपूर्ण व्यज्ञपूर्ण प्रदर्शनों अजीब कॉमेडी ट्रैक हास्यपद गंभीर बहस और दर्दनाक एक नोट वाले पात्रों से भरपूर होती है इसका मतलब यह है कि यह नहीं है कि स्क्रिप्ट में अच्छे क्षण नहीं थे लेकिन निर्देशक ने तीव्र प्रतिशोध के साथ हर उच्च क्षण को साती तरीके से खत्म करने का फैसला किया भ्रष्ट पुलिस वालों भ्रष्ट राजनेताओं और पैसे के भूखे स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवरों के बीच बड़ा गठजोड़ तमिल सिनेमा के लिए कोई नहीं बात नहीं है वास्तव में हमने इसे रमना के बाद इसे कई फिल्मों में देखा है और तमिल रोशन भी इस मार्च पर कुछ भी ताजा नहीं पेश करता है या तक, तक की बीमा हमेशा सभी बीमारियों को कवर नहीं करता है इसके बारे में एकमात्र दिलचस्प कारण भी पर्याप्त रूप से नहीं खोजा गया है और फिल्म के बंधक के थ्रिलर क्षेत्र में जाने से पहले इसे सिर्फ छुआ गया है फिल्म के इस हिस्सों में कुछ भी रोमांचक नहीं है किसी को विश्वास नहीं होता कि बंधकों के साथ कुछ होने वाला है और एक समय के बाद बंधकों को भी विश्वास नहीं होता है कि उनके साथ कुछ होने वाला है बेशक तमिल राशन के धर्मयुद्ध की सजा सहज अच्छाई को समझें, बंधक प्रदर्शन और लेखन इतना अकरबनी के है कि ईमानदारी का एक क्षण भी मुश्किल से है इसके अलावा सुरेश गोपी के एक डॉक्टर की भूमिका निभाते हैं जो दिखने में अच्छा लगता है लेकिन जिस तरह से उसे प्रस्तुत किया गया है वह इतना अशुभ है कि हम कहानी में लौकिक मोड़ आने का इंतजार कर रहे हैं इसके अलावा जब वह सिस्टम में फंसे एक अच्छी तनखवा वाले डॉक्टर होने की निराशा व्यक्त करते हुए एक भाषा भाषण देते हैं तो मुझे प्रसिद्ध विजय एंथनी मीम की याद आ जाती है जिसमें कहा गया है चा वाला पावमला इसी तरह जिस तरह से तमिल राशन में खलनायक दूतों में बदल जाते हैं वह हास्यपद रूप से सामान्य है चाहे वह ट्रिगर हैप्पी सोनुसूद हो जिनकी एक कृत भूमिका है और वह गुब्बारे से गोली चलाने वाले राइफल की तरह एक स्नाइपर का उपयोग करते हैं यह संगीत जो बेवजह बिना किसी सहानुभूति के पद्मभूषण पुरस्कार विजेता की भूमिका निभाती है उन्हें अच्छे इंसान बनने के लिए बस इतना ही करना पड़ता है सिर्फ एक डायलॉग है बम वे रूपांतरित हो जाते हैं इस तरह के असंगत स्वर परिवर्तन वर्ष परेशान करने वाले होते हैं और फिल्म को यह पता नहीं चला पाता है कि इसे कब सूक्ष्मता से चलाया जाए खासकर कॉमेडी भागों में कोई एक दृश्य में बेईमान अंग व्यापार के बारे में बात नहीं कर सकता अगले में उसके आसपास एक कॉमेडी दृश्य दिखा सकता है उसके तुरंत बाद एक भावनात्मक विस्फोट हो सकता है और दूसरे कॉमेडी दृश्य पर वापस नहीं आ सकता है और कॉमेडी बिल्कुल भी, भी मज़ेदार नहीं है और न ही हास्य व्यक्तिपरण है को उनका उपयोग यहाँ नहीं किया जा सकता है साथ ही आइए कई महत्वपूर्ण दृश्यों में तर्क की काम कमी के बारे में बात न करें तमाम बाधाओं के बावजूद तमिल राशन में कुछ पसंद है। किए जाने योग्य क्षण है मिलजुल कर समय बर्बाद करने के बजाय मुख्य जोड़ी के बीच रोमांस स्थापित करने के लिए एक गाने का उपयोग करने के लिए निर्माताओं की ओर इशारा करता है कुछ स्मार्ट संवाद है लेकिन वे कुछ पुराने आदान प्रदानों उदाहरण बुक किए गए हैं फिल्म का मुख्य आकर्षण तमिल राशन और उनके बेटे के बीच भावनात्मक बातचीत है जहाँ विजय एंथनी वास्तव में हमें भाव और उन के बारे में आश्वस्त करते हैं यह एक, -एक खूबसूरत दृश्य था भले ही इससे पहले की सभी चीजें और इसके बाद जो होता है वह भावनात्मक तीव्रता प्रदान नहीं करता जैसा कि यह सोचता है तमिल तो राशन की शुरुआत निर्माताओं द्वारा यह बताने से होती है कि यह फिल्म निक कैश की दो हज़ार दो की फिल्म जॉन क्यू से प्रेरित है वाशिंगटन अभिनीत मूल एक थ्रिलर थी, थी जो अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की तू 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 प्रकृति पर एक टिप्पणी के रूप में काम करती थी एक ही आधार पर काम करने के बावजूद भारतीय संवेदनाओं के अनुकूलन की कमी तमिल राशन में टिप्पणी को केवल एक भूट फुट नोट बनाती है और दूर से प्रभावशाली नहीं बनाती है मूल कोई क्लासिक नहीं था लेकिन रीमेक वास्तव में इसमें सुधार नहीं करता है हालांकि तमिल और हिंदी की कुछ पुरानी फिल्मों के विपरीत जिन्होंने वास्तव में कैशवीट के मूल को श्रेय देने की सहमत नहीं उठाई बाबू बाबू योगेश्वरन एंड कंपनी का दिल सही जगह पर है और सही काम करने करते हैं आ, भले ही वे बहुत सारी गड़बड़ियां करते हो करते हो बस तमिल राशन की तरह विजय एंथनी सुरेश गोपी सोनू सूद और राम्या नामबिशन अभिनीत तमिल राशन का प्रीमियर 16 जून को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जी फाइव पर होगा एस एन एस प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले एस कौशल्य रानी धारा निर्मित तमिल राशन का निर्देशन बाबू योगेश्वरन द्वारा किया गया है राशन में संगीत राजा ने दिया है, राजशेखर ने किया है और निर्देशन योगेश्वरन ने किया है फिल्म में छाया सिंह संगीता कृष्ण योगी बाबू पांड्या राजन कस्तूरी रोबो शंकर भी है और निर्देशक मोहन राजा के बेटे की पहली फिल्म है अप्रैल में नाटकीय रिलीज के बाद तमिल राशन सोलह जून 2023 को जी फाइव पर अपने विश्व डिजिटल प्रीमियर के रूप में तैयार हो रहा है निर्देशक योगेश्वरन ने कहा विजय एंथनी और तमिल राशन के विस्तारित कलाकारों के साथ काम करना एक शानदार अनुभव था उन्होंने मेरे दृष्टिकोण पर विश्वास किया और अपना सब कुछ दे दिया हमने फिल्म को बहुत दिल से बनाया है और मुझे उम्मीद है कि यह पर वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर के माध्यम से वैश्विक दर्शकों तक पहुंचेगी, एंथनी ने कहा मैं इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए सहमत हुआ क्योंकि मुझे निर्देशक ने दृष्टिकोण पर विश्वास था तमिल राशन में ऐसे दृश्य शामिल है जो बड़े पैमाने पर समाज को प्रतिबिंबित करते हैं और जो आतंकित है और मुझे उम्मीद है कि यह फिल्म एक मजबूत संदेश देने में सफल होगी हालांकि यह सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म के बारे में नहीं सुना है या इसे नहीं देखा है मेरा उनमें उनसे विनम्र अनुरोध है कि वे इसे सोरह जून को जी फाइव पर देखें क्योंकि तमिल राशन एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे हर किसी को आवश्यक देखना चाहिए फ्रांसिस एंथनी शेर राजा को पेशेवर रूप से विजय एंथनी के नाम से भी जाना जाता है एक भारतीय संगीतकार पार्श्व गायक अभिनेता फिल्म संपादक गीतकार ऑडियो इंजीनियर और फिल्म निर्माता हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं उन्होंने 2005 में संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की वह सर्वश्रेष्ठ संगीत श्रेणी में नाकाम का विज्ञापन फिल्म के गीत के लिए 2009 कांस गोल्डन लायर जीतने वाले पहले भारतीय संगीत निर्देशक हैं यह गाना 2011 क्रिकेट विश्व कप में बजाया गया था उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत दो हज़ार में फिल्म नान से की उन्हें नान दो हज़ार बारह सलीम दो हज़ार चौदह और पिचयकरण दो हज़ार सोलह जैसी एक्शन थ्रिलर फिल्म में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है विजय एंथनी का जन्म कन्याकुमारी जिले के नागर कोइल में हुआ था जब उन्होंने मीडिया और फिल्म उद्योग में प्रवेश किया तो उन्होंने अपने मंच नाम के रूप में अग्नि को चुना था लेकिन एस ए चंद्रशेखर ने इसे बदलकर विजय कर दिया था जिन्होंने टिप्पणी की थी कि अग्नि भाग्यशाली नहीं थे और उन्होंने अपने बेटे विजय अभिनेता के नाम पर उनका नाम रखा एंथनी के अभिनय की शुरुआत क्राइम थ्रिलर नाम से हुई जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई फिल्म का स्टैंड और सीक्वल जिसका नाम सलीम है एक एक्शन थ्रिलर एक अभिनेता के रूप में उनका अगला प्रोजेक्ट था जिसके लिए उन्होंने संगीत भी तैयार किया था दोनों फिल्म में स्लीपर हिट रही 2015 में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी इंडिया पाकिस्तान में अभिनय किया जिसके लिए वह संगीत निर्देशक नहीं थे दो में उन्होंने अपने डिसम निर्देशक शशि के साथ मिलकर एक्शन थ्रिलर पीछे दो हजार में अभिनय करना चुना यह व्यवसायिक रूप से सफल रही कुल संग्रह 40 करोड़ के करीब रहा तेलुगु डब बिचागाडू मूल की तुलना में अधिक सफलती रही उनकी अगली फिल्म शैथन थी जो नवदीन प्रदीप कृष्ण मूर्ति धारा निर्देशित एक एक्शन थ्रिलर थी व जीवा शंकर धारा निर्देशित 2017 की राजनीतिक एक्शन थ्रिलर यमन में दिखाई दिए लाइका प्रोडक्शंस और विजय एंथनी की कॉरपोरेशन के बैनर तले ए डर सुभाषकरण धारा निर्मित इसमें मियाँ और त्यागराजन ने अभिनय किया यह फिल्म फरवरी दो अगली फिल्म इन्ना दुराई एक, एक एक्शन ड्रामा थी यह विपरीत चरित्र वाले दो भाइयों की कहानी बताती है जिनका अलग अलग जीवन तब प्रभावित होता है जब भाग्य उनके जीवन में हस्तक्षेप करता है 2018 में उन्होंने उदय निधि धारा निर्देशित एक पीरियड एक्शन फिल्म काली में अभिनय किया और गणेश धारा निर्देशित एक एक्शन फिल्म थीमिरुड़ी पुड़ी चौवन में अभिनय किया 2019 में उन्होंने एंड्रयूज़ लुइस धारा निर्देशित और अर्जुन सरजा एक एक्शन थ्रिलर कोलाइगरन में अभिनय किया एंथनी जब सात वर्ष के थे तब उनके पिता की आत्महत्या के बाद उनकी मां ने उनका पालन पोषण किया था वह एक प्रशिक्षित संगीतकार नहीं है लेकिन उन्होंने अपना करियर एक साउंड इंजीनियर के रूप में शुरू किया और बाद में एक संगीतकार बन गए अपने तृतीय तिर्ति तृतीय शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने ऑडियो इन्फोटेमेंट नामक एक ऑडियो स्टूडियो की स्थापना की और वहाँ एक साउंड इंजीनियर के रूप में काम किया एक संगीतकार के रूप में अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने ध्वनि इंजीनियरिंग पर शोध करके विज्ञापनों के लिए जिंगल और टेलीविजन शो के लिए उल्लेखनीय पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किए फिल्मों में उनका संगीत रचना उत्तम तब शुरू हुआ जब ऑस्कर रविचंद्र ने अपनी फिल्म डी के लिए संगीत तैयार करने के लिए एंथनी से संपर्क किया लेकिन फिल्मों में उनके संगीतकार की शुरुआत शुक्रान के माध्यम से हुई क्योंकि यह पहले रिलीज हुई थी एंथनी की शादी फातिमा विजय एंथनी से हुई है और उनकी बेटियों के नाम मीरा और लारा है सबसे बड़ी मारा की उन्नीस सितंबर दो को सोलह साल की उम्र में चेन्नई में उनके घर में आत्महत्या से मृत्यु हो गई उनके एक प्रसिद्ध परदादा सैमुअल वेदनायगम पिल्लई है जो एक तमिल कवि उपन्यासकार और सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्हें प्रताप मुदलियार चरित्र के लेखक के लिए याद किया जाता है जिससे पहले आधुनिक तमिल उपन्यास के रूप में मान्यता प्राप्त है वेदनायगम के नारी मुक्ति और शिक्षा के आदर्शन इस उपन्यास में प्रतिबिंबित होते हैं एंथनी कांस गोल्डन लायर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय है उन्होंने 2009 में नक्का मक्का विज्ञापन के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत श्रेणी में पुरस्कार जीता तमिलारासन एक दो भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो बाबू योगेश्वरन द्वारा लिखित और निर्देशित और एस एन एस प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित है फिल्म में विजय एंथनी सुरेश गोपी और सोनू सूद हैं संगीत द्वारा रचित था यह निक कैशवेट्स की 2002 दो की फिल्म जॉन क्यू से प्रेरित थी कमिला राशन 22 अप्रैल 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 16 जून 2023 को ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर रिलीज होने की उम्मीद है फिल्म को आलोचकों से विकसित समीक्षा मिली है यह फिल्म मूल रूप से 6 मार्च 2020 को रिलीज होने वाली थी लेकिन कोविड 19 महामारी संकट के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था अगली बार फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख इकतीस दिसंबर दो हज़ार इक्कीस तय की लेकिन यह फिर से स्थगित कर दी गई यह फिल्म कई वर्षों तक स्थगित रही और बाईस अप्रैल दो हज़ार तेईस को रिलीज हुई जी, जी तमिल ने फिल्म के सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए जबकि जी फाइव ने डिजिटल अधिकार सुरक्षित किए यह फिल्म सोलह जून दो हजार तेईस को जी फाइव प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है तमिल हराशन को आलोचकों से समीक्षाएं मिली टाइम्स ऑफ इंडिया के एम डॉट सुगंत ने फिल्म को पाँच में से टू स्टार की रेटिंग दी और लिखा यह ट्रीटमेंट उतना ही पुराने ज़माने का है जितना इलैयाराजा राजा ने गाने गाए हैं इसके परिणाम स्वरूप फिल्म देखने का अनुभव उतना ही उबाऊ है जितना कि आई वी ड्रीप देखना सिनेमा एक्सप्रेस के अविनाश रामचंद्रन ने फिल्म को पाँच में से दो रेटिंग दी देते हुए कहा जैसे जैसे तमिल रशन की दुनिया खुलती है जा रही है कहानी के फैसले कई सवाल उखड़े करते हैं लेकिन हमें शायद ही कोई संतोषजनक जवाब मिल पाता है ए दिनामला के समीक्षक ने फिल्म को पाँच में से दो स्टार रेटिंग दी और देते हुए कहा फिल्म को उन्नीस के दशक में रिलीज किया जाना था इसलिए महिलाओं ने रोया होगा और इसे देखा होगा दो में रिलीज होने में बहुत देर हो चुकी है जो बहुत उबाऊ है मलाई मलार के एक आलोचक ने फिल्म को पाँच में से दो स्टार की रेटिंग देते हुए कहा भ्रष्ट राजनेता और लालची अस्पताल कर्मचारी हमें रमना और वरई फिल्मों की याद दिलाते हैं गाने हमें सवाल करने पर मजबूर करते हैं क्या यह इलाह राजा धारा रचित है तमिला राशन एक दयालु पुलिस अधिकारी हैं जो एक अस्पताल को हाइजेक कर लेता है जहां उसके बेटे प्रभाकर और को भर्ती करा कराया जा गया है क्योंकि लालची अस्पताल के कर्मचारी धारा हृदय परित प्रत्यारोपण के लिए प्रभाकर की अपेक्षा की जाती है लेकिन तमिलान को भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी की ओर से बाधाओं का सामना करना पड़ता है राणा प्रताप सिंह और उनके निजी दुश्मन हैं इंस्पेक्टर तमिलरासन के रूप में डॉक्टर मुरुगनदास मुरुगंदम के रूप में सुरेश गोपी संगीता पद श्रीनिवासन के रूप में लीना के रूप में रेम्यान राधी रवि आयुक्त सुकुमार आईपीएस के रूप में डीसीपी राणा प्रताप सिंह आईपीएस के रूप में सोनू सूद तमिल राशन के बेटे कैप्टन प्रभाकर के रूप में मास्टर प्रणव मोहन अठारी के रूप में वाईजी महेंद्र नंबीराजन के रूप में रोबो शंकर गणेश कुमार के रूप में मुनिशंकांत श्रेदियन एक ऑटो चालक के रूप में मुख्य फोटोग्राफी 18 जनवरी 2019 को शुरू हुई इस फिल्म का संगीत इलैया राजा ने तैयार किया है जबकि गीत अर्प ने लिखे हैं जयराम पलानी भारती और मदन कार की पूरा एल्बम रिलीज हो गया लेकिन कुछ समय बाद एल्बम में दो एकल जोड़े गए शीर्षक ट्रैक योगी बाबू योगी बी जुसैन डी मेलो और नकाश अजीज धारा जारी किया गया है था इस सभी ने इले राजा और अगले एकल थमीजान दा के लिए अपनी शुरुआत की थी और नकाश अजीज और अर्जुन चाडी धारा गाया गया था जिसमें बाद में इलैया राजा के साथ उनका पहला सहयोग था बाबू योगेश्वरन की तमिल राशन एक ऐसी फिल्म है जो खामियों से भरी है जैसे एक मरीज कई मेडिकल समस्याओं से पीड़ित है लेकिन एक शिकायत है कि आप इसके खिलाफ नहीं रह सकते क्योंकि कि इसमें दिल की कमी है हृदय प्रयान के बारे में इस फिल्म में पात्र अस्पताल के गाउन से बाहर निकलने जैसी आसानी से दिल बदलने प्रतीत होते हैं यह भावनात्मक परिवर्तन कार्डियट ऑरियंट की तरह अचानक और अप्रत्याशित होते हैं शायद हमें कमजोर नाड़ी वाली फिल्म में ऐसी अनजाने व्योत्मक के लिए आभारी होना चाहिए इसका नायक तमिल राशन एक पुलिस वाला है जो खूनी स्वभाव का है उन्हें और उनकी प्यारी पत्नी लीना को अपने जीवन में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे प्रभाकर का दिल कमज़ोर है और जितनी जल्दी वे प्रत्यारोपण के लिए जाए उतना बेहतर होगा वे उसे एक अस्पताल में भर्ती कराते हैं जो दुर्भाग्य से मुनाफे की अधिक परवाह करता है और ठगे ठंडे खून वाले प्रशासकों को और पथर दिल डॉक्टरों से भरा हुआ है एक मंत्री को भी दिल की जरूरत होने के कारण बेचारा प्रभाकर अस्पताल के लिए कम प्राथमिकता वाला बन जाता है कुरुदित्य तमिलासन ने उनके हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर मुरुगननाथम को बंधक बनाने का फैसला किया और उन्हें बहले अपने बेटे का इलाज करने के लिए मजबूर किया क्या वह अपने बेटे को बचा सकता है खासकर अपने भ्रष्ट वरिष्ठ राणा प्रताप सिंह जो से जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पहले से ही उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने की क्षमता है तमिल राशन एक ऐसी फिल्म है जो कागज पर भी एक मरीज को चिकित्सीय चमकदार चमत्कार की जरूरत महसूस कराती है फिल्म की लिखावट एक डॉक्टर की लिखावट की तरह बेतरतीब है और इसका स्वर एक मरीज की उतार चढ़ाव वाली नाड़ी की तरह आसमान रूप से बदलता रहता रा, है ऐसे दृश्य के बीच स्वर में बदलाव को कोई और कैसे समझा सकता है जहाँ एक लड़का अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है ऐसे दृश्य के साथ जहाँ रोबो शंकर शब्द बाड़ी को अर्थी बनाकर अपनी लगड़ी कॉमेडी करता है उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं योगी बाबू जिनकी कॉमेडी में मोशन पोइटेंट को मोशन पोइटेंट के साथ गाया जाता है जैसे एक फार्मासिस्ट डॉक्टर के नुस्खे को नजरअंदाज करना चुनता है वैसे ही यह फिल्म अंग प्रत्यारोपण के विषय पर शोध को खत्म कर देती है यह दृष्टिकोण केवल उन दृश्यों की ओर ले जाता है जो दर्दनाक रूप से नाटकीय और अनजाने में मजाकिया है यदि विचार अस्पतालों में चिकित्सा भ्रष्टाचार और लालच को उजागर करने का था तो हम 20 साल पहले ही रमना में यह सब सक्षम रूप से होते हुए देख चुके हैं और इसमें पुलिस बंधन की स्थिति से इतने हास्यपद तरीके से निपट रही है कि भाग्यराज के रुद्र में पुलिस कुशल लगती है हमें सुरेंद्र सुरेश गोपी संगीत कस्तूरी और राधा रवि जैसे अनुभवी अभिनेताओं का एक समूह भी मिलता है लेकिन उनका प्रदर्शन उतना ही नैदानिक और भावना से रहित होता है जितना कि ऑपरेशन टेबल पर एक सर्जन की सहायता करने वाली नर्स है इस बीच राम्या निशन को दो काम करने हैं विजय एंथनी के साथ रोमांस करना जैसे कि वह सेतुपति में विजय सेतुपति हो और एक चिंतित चिंतित माँ के रूप में अभिनय करना और केंद्र पात्र के रूप में विजय एंथनी हमेशा की तरह गंभीर हैं लेकिन उससे परे उनका प्रदर्शन एक अनुत्तरदायी रोगी की तरह कठोर है उन्होंने कहा फिल्म अपने मुख्य अभिनेता की तरह ईमानदार है यह सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार होना चाहता है और थोतुकुडी गोलीबारी का संदर्भ देता है जब महिलाओं के बारे में बात करने की बात आती है तो यह राजनीतिक रूप से सही रहता है लेकिन जब उपचार इलैया राजा द्वारा गाए गए गानों की तरह पुराने जमाने का होता है तो इसका परिणाम फिल्म देखने का अनुभव होता है जो आईवी वी देखने जितना ही उबाऊ होता है योगेश्वरन की राशन जिसमें मुख्य भूमिका में है शुरुआत से ही एक थकाऊ फिल्म है इसकी शुरुआत तमिलनाडु और दिल्ली के पुलिस अधिकारियों के बीच एक क्रिकेट मैच से होती है नायक और प्रतिपक्ष के बीच संघर्ष एक अनुक्रम के साथ वही स्थापित होता है तमिल राशन एक ईमानदार पुलिसकर्मी है जिसका जीवन उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमता है जिसमें पत्नी और एक बेटा शामिल है वो अपने बेटे छोटे बेटे को एक खिलाड़ी बनने के लिए प्रोत्साहित करता है लेकिन लड़का एक असामान्य हृदय रोग से पीड़ित है तत्काल तो सर्जरी में भारी रकम खर्च होती है जिससे उसके लिए हालात और भी बदतर हो जाते हैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बावजूद तमिल राशन को एहसास हुआ कि आवश्यक राशि का भुगतान करना लगभग असंभव है अस्पताल प्रबंधन का अमानवीय व्यवहार उसे परेशानी में डाल देता है कोई विकल्प नहीं बचने पर वह एक डॉक्टर का अपहरण कर लेता है जिससे मरीजों और पुलिस विभाग में दहद, दहशत फैल जाती है एक कुख्यात पुलिसकर्मी राणा को दर्द दर्ज करे जो अपने क्रूर व्यवसाय और ठंडे स्वभाव के लिए जाना जाता है एक ऐसा व्यक्ति के रूप में जो व्यक्तिगत कारणों से तमिल के खिलाफ बद, बदला लेने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है वह स्थिति का फायदा उठाने का प्रयास करता है कागज पर कथानक थोड़ा मुहत्पूर्ण लगता है लेकिन एक आकर्षक पटकथा से साथ एक साफ सुथरा निष्पादन फिल्म को बचा सकता था हालांकि ठोस संघर्षों की कमी नाजुक चरित्र और तार्किक खामियों फिल्म को एक थका देने वाली घड़ी बनाती है पटकथा बहुत सारी चीज़ों को छूती है लेकिन अंत में किसी को भी सही नहीं ठहरा पाती इसके कुछ हिस्से के को देखने से हमें ऐसा लगता है कि यह एक पारिवारिक ड्रामा है कुछ स्थितियाँ हमें याद दिलाती है कि यह एक एक्शन एक एक फिल्म है ऐसी है जो हमें विश्वास दिलाती है कि यह एक, एक मेडिकल थ्रिलर है इसमें पिता पुत्र का एंगल माँ बेटे का एंगल जूनियर और सीनियर पुलिसकर्मी के बीच संघर्ष दो पुलिस वालों के बीच दोस्ती सत, सतही तौर पर लिखित राजनीतिक हस्तक्षेप सामाजिक कारण के लिए लोगों का आनंदोलन इत्यादि शामिल है अफसोस की बात है कि इसमें किसी किसी भी पहलू का पता नहीं लग लगा लगाया गया है और अंतर्निर्दित भावना भी दर्शकों से जुड़ने में विफल रहती है क्योंकि फिल्म में बहुत सारे पहलू भर दिए गए हैं जिसका रन टाइम सिर्फ एक मिनट है यदि आप पहले नहीं जानते थे तो तमिल राशन में लैया राजा का संगीत है निर्माता इसे केवल रूप में या क्रेडिट में उल्लेख के रूप में कहते से कहने से संतुष्ट नहीं है उन्होंने उस्ताद और तमिल राशन के लिए उनकी रचना प्रक्रिया की विशेषता वाला एक संपूर्ण असम्बल अनुक्रम प्रस्तुत करने का निर्णय लिया हम का महान संगीतकार को उनके साथ ही दिग्गजों के जे येसुदास और दिवंगत एस पी बाला के साथ श्रीराम को तमिल के गौरव के बारे में एक गीत गाते हुए देखते हैं और इलैया राजा के संगीत रचना के और भी दृश्य है क्योंकि शुरुआती क्रेडिट हमें बाकी कलाकारों और चालक दल के बारे में सूचित करते हैं निर्माता उस्ताद का जश्न मनाने में इतने मशहूर हैं कि वे विफल वी, फिल्म के लिए मूड बनाने के महत्व को भूल गए हैं उद्घाटन क्रेडिट के तुरंत बाद हमें सीधे कार्यवाही में डाला दिया जाता है या हम सोचते हैं हमें पुलिस अधिकारी तमिल राशन विजय अंतनी और क्रिकेट के प्रति उनके प्रेम से परिचित कराया गया है वरिष्ठ अधिकारी सोनू सूद के साथ हल्की फुल्की झड़प हुई है जिससे कुछ बड़ा होने का खतरा है लेकिन फिर फिल्म 2018 की थुथुकुडी पुलिस फायरिंग से प्रेरित तो होकर दोनों के बीच एक बड़ा तर्क पैदा करती है फिर उसे क्रिकेट खेलने ते हुए दिखाने में समय क्यों बर्बाद करें आप पूछ सकते हैं जैसे ही तमिल राशन की दुनिया अगले 120 मिनट तक हमारी आंखों के सामने खुलती रहती है कथानात्मक निर्णय ऐसे कई सवालों को जन्म देते हैं लेकिन अंत में हमें शायद ही कोई संतोषजनक उत्तर मिल पाता है तमिल राशन एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है जिसका जीवन उसकी पत्नी और बेटे के इर्द गिर्द घूमती है वह पुलिस व्यवस्था व्यवस्था की गला काट दुनिया के लिए उपयुक्त नहीं है और उसकी पत्नी का मानना है कि वह एक क्रिकेटर कोच के रूप में अधिक उपयुक्त होगा लेकिन फिर उनका वनस्पति प्रेमी बेटा बीमार पड़ जाता है और तमिल रासन को उसे बचाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है इसके बाद एक के एक, एक के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाएं होती है जो व्यवस्पर्ण व्यज्ञपूर्ण प्रदर्शनों अजीब कॉमेडी ट्रैक हास्यपद गंभीर बहस और दर्दनाक एक नोट वाले पात्रों से भरपूर होती है इसका मतलब यह कि यह नहीं है कि स्क्रिप्ट में अच्छे क्षण नहीं थे लेकिन निर्देशक ने तीव्र प्रतिशोध के साथ हर उच्च क्षण को साथी तरीके से खत्म करने का फैसला किया भ्रष्ट पुलिस वालों भ्रष्ट राजनेताओं और पैसे के भूखे स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवरों के बीच बड़ा तमिल सिनेमा के लिए कोई नहीं बात नहीं बात है। वास्तव में हमने इसे रमना के बाद इसे कई फिल्मों में देखा है और तमिल रोशन भी इस मार्च पर कुछ भी ताजा नहीं पेश करता है यह तब तक की बीमा हमेशा सभी बीमारियों को कवर नहीं करता है इसके बारे में एकमात्र दिलचस्प कारण भी पर्याप्त रूप से नहीं खोजा गया है और फिल्म के बंधक के थ्रिलर क्षेत्र में जाने से पहले इसे सिर्फ छुआ गया है फिल्म के इस हिस्सों में कुछ भी रोमांचक नहीं है किसी को विश्वास नहीं होता कि बंधकों के साथ कुछ होने वाला है और एक समय के बाद बंधकों को भी विश्वास नहीं होता है कि उनके साथ कुछ होने वाला है बेशक तमिल राशन के धर्म की अच्छाई को प्रदर्शन और लेखन इतना अकार है कि ईमानदारी का एक क्षण भी मुश्किल से है इसके अलावा सुरेश गोपी के एक डॉक्टर की भूमिका निभाते हैं जो दिखने में अच्छा लगता है लेकिन जिस तरह से उसे प्रस्तुत किया गया है वह इतना अशुभ है कि हम कहानी में लौकिक मोड आने का इंतजार कर रहे हैं इसके अलावा जब वह सिस्टम में फंसे एक अच्छी तनख्वा वाले डॉक्टर होने की निराशा व्यक्त करते हुए एक भाषा भाषण देते हैं तो मुझे प्रसिद्ध विजय एंथनी मीम की याद आ जाती है जिसमें कहा गया है चा पावन वाला पावनला इसी तरह जिस तरह से तमिल राशन में खलनायक स्वर्ग दूतों में बदल जाते हैं वह हास्यपद रूप से सामान्य है चाहे वह ट्रिगर ट्रीगर हो, जिनकी एक भूमिका है और वह गुब्बारे से गोली चलाने वाले राइफल की तरह एक स्नाइपर का उपयोग करते हैं यह संगीत जो बेवजह बिना किसी सहानुभूति के पद्मभूषण पुरस्कार विजेता की भूमिका निभाती है उन्हें अच्छे इंसान बनने के लिए बस इतना ही करना पड़ता है सिर्फ एक डायलॉग है बम वे रूपांतरित हो जाते हैं इस तरह के असंगत स्वर परिवर्तन बस परेशान करने वाले होते हैं और फिल्म को यह पता नहीं चला पाता है कि इसे कब सूक्ष्मता से चलाया जाए